हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेटेस्ट से बुक का फिफ्थ चैप्टर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। कि लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते क्या हैं, इनका प्रोग्रामिंग के अंदर क्या यूज है और सी लैंग्वेज के अंदर इनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और किस तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को लूपिंग के सिस्टम के थ्रू कैसे ईजी तरीके से रिजोल्व करते हैं। लेकिन लूप कंट्रोल के ऊपर जाने से पहले हमें ये याद रखना जरूरी कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है। अभी तक हमने चार चैप्टर को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है। चारों चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर था गेटिंग स्टार्टेड विद सी, उसके अंदर हमने जाना कि सी लैंग्वेज होती क्या है, सी लैंग्वेज यूज क्यों करते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट प्रोग्राम हमने हमारा रन कराया, एग्जीक्यूट कराया, आउटपुट चेक करा और लिखने का क्या पैटर्न होता है ये हमने चेक करा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। सेकेंड चैप्टर था सी इंस्ट्रक्शन, सी लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन कौन कौन से होते हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट टाइप इंस्ट्रक्शंस, टाइप कन्वर्जन इंस्ट्रक्शंस, डेटा टाइप डिक्लेरेशन, टाइप कन्वर्जन, जितने भी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सब हमने सेकंड चैप्टर के अंदर स्टडी करा था। थर्ड चैप्टर था डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, इन सब का यूज करके, इफ एल्स का यूज करके किस तरीके से हम सी लैंग्वेज के अंदर डिसीजन लेते हैं एक प्रोग्राम अवेलेबल पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर, अवेलेबल वेरिएबल्स की वैल्यू के अवेलेबल होने के ऊपर किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, कौन सा स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करना है, कब नहीं एग्जीक्यूट करना है, ये हमने थर्ड चैप्टर के अंदर स्टडी करा। उसके बाद फोर्थ चैप्टर के अंदर हमने थोड़े कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग को स्टडी करा, जिसके अंदर हमने यूज करा लॉजिकल ऑपरेटर, नेस्टेड इफ एल्स को, इन सबको। इन चारों चैप्टर्स की हमने लगभग हर क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करा है, हर क्वेश्चन को आपके सामने सोल्व करा है वन बाई वन से, और जो अभी तक स्टडी करा था उन्हीं बेसिस के ऊपर। लेकिन अभी तक हमने जितने प्रोग्राम्स बनाए उनमें हमने कई बार ये देखा था कि जो प्रोग्राम बना रहे हैं, जो मल्टीपल लाइन 50 लाइन का हो गया, 60 लाइन का, उसको हो सकता है हम 10 लाइन के अंदर खत्म कर सकते थे, 10 लाइन में फिनिश कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं करा क्योंकि हमने अभी तक स्टडी नहीं करा था कि एडवांस कैसे होता है। एक्चुअली हमने जब भी लिखा था, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारा एक प्रोग्राम था सम ऑफ डिजिट, इसके अंदर क्या था कि हमने 5 नंबर की डिजिट एंट्री ली थी कीबोर्ड के थ्रू और उनके एक एक डिजिट को जोड़ करके बताया था कि इनके सम ऑफ 5 डिजिट्स क्या था। ये हमने पूरा प्रोग्राम उसके लिए यूज कैसे करा था, 5 वेरिएबल डिक्लेयर करे थे, उन सबको फिर वापस से सम करा था और इस तरीके से रिजल्ट निकाला था। एक तो ये प्रोग्राम में कितना बड़ा निकला, छोटा था ताकि कैसे कर सकते हैं वो लूपिंग सिस्टम के थ्रू हम बताएंगे। दूसरा था कि जो 5 नंबर डिजिट हमने एंट्री करे थे उसको रिवर्स करने का, ये भी प्रोग्राम हमारा काफी लंबा हो गया क्योंकि इसके अंदर हर डिजिट के ऊपर हमने अलग से स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट अप करवाया सब कुछ। अब देखिए कंप्यूटर का मतलब होता है कि कैलकुलेशन करने वाला। अब कंप्यूटर का यूज ही इसलिए है कि वो मल्टीपल कैलकुलेशंस को मिली सेकेंड्स में कर देता है, बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को मिली सेकेंड में कर देता है। अब जिस तरह के प्रोग्राम अभी तक हमने बनाए थे वो तो हम नॉर्मली अगर हम हमारे नॉर्मल नोटबुक के साथ में सोल्व करेंगे तो भी हम इसी तरीके सोल्व कर सकते थे, तो फिर हमें कंप्यूटर की जरूरत क्यों थी। कंप्यूटर की जरूरत केवल इसलिए आई है क्योंकि मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को वो मिली सेकेंड के अंदर सोल्व कर देता है। तो वो सोल्व करता किस तरीके से, वो सोल्व करता है लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। जब वो एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बार बार लूप चलाता है, बार बार एक ही चीज को कॉल करता है, तो उसे कहते हैं लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमें 2 की टेबल लिखनी है, तो हम 2 की टेबल को क्या करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो इस तरीके से 10 तक हमको लिखना पड़ेगा कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो। इसको केवल एक सेंटेंस के साथ ही हम सोल्व कर सकते हैं कि 2 वेरिएबल्स होंगे और उनका रिजल्ट होगा, मल्टीप्लाई करके इसका आउटपुट दे देंगे, सिंपल हमारा कोई भी लॉजिक होगा। तो इस तरह से जो भी लूपिंग सिस्टम एक ही काम को बार बार जब करना होता है तो उसके अंदर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते क्या है, द वर्सेटिलिटी ऑफ कंप्यूटर लाइज इन इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करना यह कंप्यूटर की खासियत होती है। दिस इन्वॉल्व रिपीटिंग सम पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम आइदर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स और अंटिल ए पर्टिकुलर कंडीशन इज बींग सेटिस्फाइड। देखिए इसने क्या बोला है, आइदर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, या तो नंबर ऑफ टाइम होगी इस स्टेटमेंट को या पर्टिकुलर ब्लॉक को कितनी बार हमें एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 की टेबल लिखते हैं, 3 की टेबल, कोई भी टेबल हम लिखेंगे तो हम उसको जो भी ब्लॉक होगा उसको 10 टाइम एग्जीक्यूट करेंगे। तो लूपिंग सिस्टम ऐसे काम करता है कि उसमें कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसके बाद में वो खत्म होना होता है, और अंटिल ए पर्टिकुलर कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाई, कि या तो ऐसा हो जैसे कि 10 बार हमको पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, या फिर ऐसा हो कि कोई वैल्यू ऐसी हो कि जैसे 0 हो गया या लेस देन ग्रेटर देन, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसके बाद में उसका एग्जीक्यूशन बंद हो जाए। तो इस तरीके से लूपिंग सिस्टम काम कर सकता है। दिस रिपीटेटिव ऑपरेशन इज डन थ्रू ए लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस।
एक ही पर्टिकुलर कोड और ब्लॉक को या पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना, वो लूपिंग कंट्रोल के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर कितने तरह के लूपिंग सिस्टम होते हैं? सी लैंग्वेज के अंदर जो लूप होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे व्हाइल लूप के बारे में, फॉर लूप एंड डू व्हाइल के बारे में हम आगे के लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन करेंगे, जब एक बार व्हाइल लूप के साथ में फेमिलियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हम देखते हैं व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है। व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, देखिए ये लिखा हुआ इनिशियलाइज लूप काउंटर व्हाइल, ये कोड ऑफ ब्लॉक आ गया और ये यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं। जो हमने बोला था कि कोड ऑफ ब्लॉक एक पर्टिकुलर ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करता है, ये व्हाइल लूप का यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रासेज जो है इनके बीच में जो भी ये कोड लिखा हुआ है इसको उतनी बार ही ये रन करेगा जितनी बार की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो मतलब कि जब भी हम बात करते हैं लूप की तो लूप का सबसे पहले तो होता है इनिशियलाइज लूप काउंटर, कि कोई ऐसी कंडीशन होगी जहां से कि उसका स्टार्ट होगा लूप का। जैसे मान लीजिए टू की टेबल हमें लिखनी है, कोई भी टेबल लिखनी है, तो टू मल्टीप्लाइड बाई वन, मतलब कि टू को स्टार्ट करना है मल्टीप्लीकेशन वन से और ले जाना कहां तक, टेन तक। तो यहाँ पे इनिशियलाइज लूप काउंटर क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू हो जाएगी वन। ये हो गया इनिशियलाइजेशन की लूप की स्टार्टिंग कहां से करनी है और लूप की एंडिंग कहां से होगी वो डिसाइड करेगी ये वाली जो कंडीशन होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो काउंटर होगा यहाँ पे इज लेस देन इक्वल टू टेन होना चाहिए, मतलब कि वो स्टेटमेंट टेन टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा ये वाला। तो कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर जो होता है व्हाइल लूप का, क्या था, सबसे पहले तो होता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड होता है उसका लूप का नाम, उसके अंदर बीच में होती है कंडीशन। इस कंडीशन को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं, ये तो हम जब लूप का यूज करेंगे तब हम बताएंगे। और लूप के अंदर कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होता है, लूप जो भी वेरिएबल आपने ऊपर डिक्लेयर करा था इनिशियलाइजेशन के टाइम पे उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होगी हर बार ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद, क्या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, मतलब कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की तरफ बढ़ती जाएगी। ये होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लूप काउंटर। तो ये नॉर्मल व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर होता है इनिशियलाइजेशन होता है, उसके अंदर कंडीशन चेक होती है और एक कोड ऑफ ब्लॉक रन होता है और उसके बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है लूप काउंटर का, या जिस भी वेरिएबल के बेस के ऊपर हम कैलकुलेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं। स्टेप ऑफ व्हाइल लूप्स में क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर, जो हमने बताया कि इनिशियलाइज काउंटर में भी इंटीजर और फ्लोट, व्हाइल लूप को स्टार्ट करने के लिए जो भी वैल्यू होगी इनिशियलाइजेशन के टाइम पे वो इंटीजर टाइप का वैल्यू भी हो सकती है, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू भी हो सकती है। मतलब ये जो हमने यहाँ पे बोला था इनिशियलाइज लूप काउंटर, ये इंटीजर टाइप भी हो सकता है, फ्लोटिंग टाइप भी हो सकता है। सेकेंड है कंडीशन चेकर फॉर काउंटर, द कंडीशन बींग टेस्टेड मे यूज रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे जो कंडीशन हमने दिखाई है कि टेस्ट लूप काउंटर यूजिंग ए कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, इसका आउटपुट अगर ट्रू होगा तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो मतलब कि ये कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन हो सकते हैं जिनका आउटपुट ट्रू या फॉल्स निकलेगा। इस तरह के लूप्स यहाँ पे, इस तरह की कंडीशन यहाँ पे यूज करी जाती है, इसलिए कह रहे हैं द कंडीशन बींग टेस्टेड मे यूज रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर, क्योंकि इनका आउटपुट हमेशा या तो ट्रू में आता है या फॉल्स में आता है। लास्ट में आता है लूप काउंटर कैन बी इंक्रीमेंटेड एंड डिक्रीमेंटेड, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हमने इंक्रीमेंट लूप काउंटर, तो ये वैल्यू हो सकता है कि इंक्रीज हो सकता है कि डिक्रीज हो, ये डिपेंड करता है कि हमने यह कंडीशन किस तरह की लगाई है, उस कंडीशन के बेस पे यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा इंक्रीज और डिक्रीज करने का। इस यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इंक्रीमेंट लूप काउंटर, इसका मकसद ये होता है कि आपको हर ब्लॉक के एग्जीक्यूशन के साथ में आपको इस कंडीशन की तरफ बढ़ना है। अगर ऐसे कोई कंडीशन में फंस गए कि इस कंडीशन हमेशा ऑलवेज सेटिस्फाई होती है तो आपका कंप्यूटर पूरा एक इनफाइनाइट लूप सिस्टम के अंदर फंस जाएगा और आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। इसलिए लूपिंग कंट्रोल एक एडवांस फीचर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इसको बहुत ही केयरफुली यूज करते हैं, अदरवाइज तो आपका सिस्टम डेड लॉक में फंस जाएगा। डेड लॉक क्या होता है ये हम आगे के लेक्चर्स के अंदर ब्रीफली बताएंगे। डेड लॉक का मतलब होता है कि कंप्यूटर को सोचता नहीं कि अब करना क्या है, वो एक ही काम को करते करते उसी काम में अटक के रह जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्हाइल लूप, जब हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स को याद रखना जरूरी है। वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, पहला है द स्टेटमेंट विद इन द व्हाइल लूप वुड कीप गेटिंग एग्जीक्यूटेड टिल द कंडीशन बींग टेस्टेड रिमेन्स ट्रू, कि जो व्हाइल लूप के अंदर जो कंडीशन टेस्ट हो रही है, जो कंडीशन चेक हो रही है, वो तब तक एग्जीक्यूट होगा तब तक की जो कंडीशन की वैल्यू ट्रू होती रहेगी, तब तक वो कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा।
अगेन व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स द कंट्रोल पास टू द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट फॉलोज द बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन जैसे फॉल्स होगी तो हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम को रन कराने का जो पॉइंटर है सीधा ये लेफ्ट ये ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोसेस को क्लोज करके यहाँ पे इसके बाद में जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना होगा वहां पे सीधा जंप कर जाएगा, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो गई है तो पूरा का पूरा ब्लॉक बाईपास हो जाएगा। थर्ड आता है इन प्लेस ऑफ द कंडीशंस देयर कैन बी एनी अदर वैलिड एक्सप्रेशन सो लॉन्ग एज द एक्सप्रेशन इवेल्युएट टू अ नॉन जीरो वैल्यू द लूप कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट ब्लॉक। थर्ड स्टेटमेंट का मतलब है टेस्ट लूप काउंटर यूजिंग ए कंडीशन। ये जो कंडीशन है हो सकता है जैसे मान लीजिए हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल ए डिक्लेयर कर दिया ए इज लेस देन इक्वल टू 10। अब ये तो हमने नॉर्मल से कंडीशन चेक कर दी ए छोटा है या बराबर है 10 के तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा, बट इसकी जगह पे कोई एक अलग से एक्सप्रेशन भी इवेल्युएट हो सकता है जिसकी वैल्यू एग्जीक्यूशन होने के बाद में ट्रू या फॉल्स होगी। तो यहाँ पे कंडीशन लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करके भी कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके भी यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी आप काम करें उसका आउटपुट के अंदर ट्रू या फॉल्स आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो काम नहीं करेगा। फोर्थ द कंडीशन बीइंग टेस्टेड मे यूज रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। द व्हाइल मस्ट टेस्ट ए कंडीशन दैट विल इवेंचुअली बिकम फॉल्स अदरवाइज द लूप वुड बी एग्जीक्यूटेड फॉर एवर इनडेफिनेटली। जैसा कि हमने बताया है कि कोई भी लूपिंग सिस्टम हो चाहे व्हाइल हो डू व्हाइल हो या फॉर लूप हो इन सभी के अंदर कोई ना कोई एक कंडीशन ऐसी होती है जिसके ट्रू होने के ऊपर लूप का एग्जीक्यूशन ब्लॉक हो जाएगा बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जो कंडीशन टेस्ट होगी उसकी वैल्यू जब तक आउटपुट के अंदर फॉल्स नहीं आएगी पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिसका आउटपुट फॉल्स आएगा तो ही आपका लूप सिस्टम काम करेगा, अदरवाइज वो डेड लॉक में फंस जाएगा। तो ये था हमारा लूपिंग सिस्टम। लूप सिस्टम का यूज करके आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम काफी सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जो हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम सोल्व कर रखे उनको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे कैसे अभी तक हमने इतना बड़ा प्रोग्राम रन कराया था अब उनको छोटे ब्लॉक के अंदर कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी करा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लूप्स का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है, लूप्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। अगर हमें किसी एक टास्क को बार बार रिपीट करना है, सिमिलर टास्क को बार बार रिपीट करना है तो उसके लिए लूप्स का यूज करा जाता है। लूप्स का सिंटेक्स क्या होते हैं, कितने तरह के लूप्स होते हैं, ये हम हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाइल लूप को कि व्हाइल लूप होता कैसे है और काम कैसे करता है। तो देखिए लूप के स्ट्रक्चर में सबसे पहले पता था कि सबसे पहले तो होता है उसका इनिशियलाइजेशन लूप काउंटर कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, उसके बाद में कंडीशन चेक होती है कि लूप कब तक चलेगा या किस बेस को ट्रू होने के ऊपर कंडीशन चलेगी लूप चलेगा और कब उस जो लूप का जो ब्लॉक है उसके अंदर क्या क्या एग्जीक्यूट होगा और इंक्रीमेंट लूप काउंटर डिक्रीमेंट लूप काउंटर ये क्या होता है। तो इस व्हाइल लूप के स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली स्टडी करने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम डिजाइन करते हैं जिससे कि हम 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि क्या करेंगे और इसको अगर हम लूप के थ्रू नहीं करते तो क्या होता, वो लूप के साथ में कर रहे हैं तो क्या होता। व्हाइल लूप काउंटिंग फाइल का नाम देते हैं व्हाइल लूप काउंटिंग। सबसे पहले इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर लाइब्रेरी है ये, इंक्लूड conio.h ये क्यों यूज करते हैं हर प्रोग्राम के अंदर लगभग हमने ऑलमोस्ट आपको बताया है इसका यूज क्या है। हम हमारे इस प्रोग्राम के अंदर इसका यूज कर रहे हैं getch फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये फंक्शन है conio.h हेडर फाइल के अंदर। अब हमारे इस फंक्शन का जो टारगेट है वो क्या है, 1 to 10 तक की काउंटिंग को प्रिंट करवाना है। ठीक है, अगर हम लूप्स का यूज नहीं करते तो हम 1 से 10 तक की काउंटिंग को प्रिंट करवाने के लिए क्या करते, हम 10 टाइम क्या करते, प्रिंट एफ 1 उसके बाद में सीक्वेंस टर्मिनेटर लगा देते और इसी लाइन को हम बार बार कॉपी पेस्ट करते रहते। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम होता अगर हम किसी चीज का यूज नहीं करते तो। शिफ्ट इंसर्ट
इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये टू हो जाता, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, सिक्स, सेवन, ये हो जाता एट, नाइन और ये हो जाता टेन। इसको एप टू हमने सेव कर दिया, ऑल्ट एप नाइन, कोई एरर नहीं है, कंट्रोल एप नाइन करा। तो देखिए वन से लेके टेन तक की काउंटिंग सिस्टम को प्रिंट में दे दी, लेकिन इसके लिए हमने क्या करा, इसके अंदर टेन टाइम्स प्रिंट एप के अंदर वन से लेके टेन तक की काउंटिंग को इंक्लूड करा। अब अगर हमें कोई प्रोग्राम वैसा डिजाइन करना है जिसके अंदर कि हमको वन से लेके हंड्रेड तक की काउंटिंग को प्रिंट करवाना है, तो हम ये प्रिंट एप का जो स्टेटमेंट हंड्रेड टाइम्स लिखेंगे। इस तरह के काम को करने के लिए लूप को इंट्रोड्यूस करा गया है। अब देखिए इसी प्रोग्राम को हम लूप के थ्रू कैसे इजीली कर लेंगे। सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं व्हाइल लूप का, तो व्हाइल लूप के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं इसको। क्लियर। अब देखिए हमने ऑलरेडी आउटपुट एक बार चेक कर चुके हैं, तो उसके लिए स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हमें क्या चाहिए, सी एल आर एस सी आर, जो कि हमारी स्क्रीन को क्लियर कर देगा। अब लूप्स का यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो इंट आई इक्वल टू वन, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, आई इंटीजर टाइप का इनिशियलाइज कर दिया वन से। अब लूप का स्ट्रक्चर क्या है व्हाइल लूप का, व्हाइल ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर बीच में यहां पे होती कंडीशन चेक, कंडीशन चेक होगी, ये इसका ओपनिंग ब्रेसेज और क्लोजिंग ब्रेसेज। ये लूप का बिल्कुल सिंटैक्स कंप्लीट हो गया। अब हमें कंडीशन चेक में क्या लगाना है, कितने तक की काउंटिंग प्रिंट करवानी है हमको, वन से लेके टेन तक की। आई की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू टेन है तब तक ये काम होना चाहिए। क्या होगा, प्रिंट एफ परसेंट डी, ये क्या है, परसेंट डी होता है फॉर्मेट आइडेंटिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर कि आप किस तरह के वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, और स्लैश एंड सीक्वेंस टर्मिनेटर आ गया। यहां पे हमने लिख दिया आई, आई को हमें बार बार प्रिंट करवाना है, और उसके बाद में जब कोड ब्लॉक का रन हो जाता है, इसके बाद में जैसे सबसे पहले तो डू दिस आने के बाद में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑफ लूप काउंटर, तो लूप काउंटर यहाँ पे आई है, आई को हमने इंक्रीज कर दिया और यहां से हमने इसको हटा दिया है। अब इसको हमने एप टू के साथ सेव कर दिया। अब इसी प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। देखिए वन से लेकर टेन तक की प्रिंट आ गया। अब इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं, काउंटर वैल्यू ये आ गया कि जो काउंटर वैल्यू आ रही है वो हमारे सामने प्रिंट हो जाएगी। देखिए काउंटर वैल्यू, और अब यही चीज अगर हम लूप के थ्रू नहीं करके नॉर्मल सिंटेक्स के थ्रू कर दो, टेन टाइम्स हमें ये बार बार इसके अंदर चीजें चेंज करनी पड़ती। अब इसको टेन की जगह हंड्रेड कर दो, कितना भी कर दो, उसके अकॉर्डिंग हम इसको काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए लूप के अंदर सबसे पहले कंडीशन क्या है, ये तो हो गया इनिशियलाइजेशन, जो वेरिएबल है उसको आपने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, ये हो गई कंडीशन चेक। यहाँ पे उसको फंक्शन जो व्हाइल लूप के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले वो सब यहाँ पे आ गए। आई प्लस प्लस हमने लिखा है कि आई की वैल्यू टेन की वैल्यू तक कैसे पहुंचेगी। हमने बोला था कि कंडीशन चेक के बाद में प्रोग्राम जब कोई भी लूप का ब्लॉक रन होता है तो उसके एंड के अंदर काउंटर हमेशा उस ओर बढ़ता है जिस ओर कंडीशन खत्म होने वाली हो। अगर हम यहाँ पे आई प्लस प्लस को हटा देंगे तो ये आई की वैल्यू कभी इंक्रीज नहीं होगी और ये बार बार इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स तक, ये एग्जीक्यूट करता हुआ चला जाएगा। इसकी जगह पे अगर हम यहाँ पे इसको यह सिक्वेंस टर्मिनेट कर देंगे और नीचे वाला ब्लॉक हटा देंगे तो भी व्हाइल लूप हमें कोई एरर नहीं देगा, लेकिन क्या करेगा, व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या करेगा, काम आई इज लेस देन इक्वल टू टेन और इसी के अंदर फंस के रह जाएगा, इसी व्हाइल लूप से बाहर प्रोग्राम हमारा लेकर नहीं पाएगा, क्योंकि आई इज लेस देन टेन हमेशा रहेगा, आई की वैल्यू कभी इंक्रीज ही नहीं हो रही जो कि टेन की तरफ बढ़ेगी। तो जब भी किसी लूप को डिजाइन हमें करना है तो हमें ऑलवेज हमें ये ध्यान रखना है कि जो कंडीशन चेक वाला जो स्टेटमेंट है और
लूप काउंटर जो है उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके किसी भी तरीके से एट लास्ट उसको कंडीशन को ये एक बार फॉल्स होना होगा, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम का जो पॉइंटर है वो इस ब्लॉक से बाहर निकल पाए। ठीक है, इस तरह से प्रोग्राम रन होते हैं, व्हाइल लूप का यूज होता है। और व्हाइल लूप का यूज क्यों होता है, क्योंकि एक स्टेटमेंट को हमको बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, सेम टास्क को बार बार परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। लूप हमारे पास व्हाइल लूप है, डू व्हाइल है और फॉर लूप है। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं व्हाइल लूप के ऊपर, और आने वाले क्वेश्चंस भी कुछ हैं वो डिस्कशन करेंगे हम व्हाइल लूप के ऊपर ही। अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के फिफ्थ चैप्टर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन ए डॉट ए। इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। तो किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट चेक करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए प्रोग्राम जो लिखा हुआ वो सही है या नहीं है, या उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर होगी तो आउटपुट आएगा ही नहीं, अगर एरर फ्री होगा तो कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं हेडर फाइल का इंक्लूड इसने जो करा बिल्कुल ठीक है, मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन करा तो मतलब फंक्शन का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ओपनिंग ब्रासेज क्लोजिंग ब्रासेज और यहाँ रिटर्न टाइप इंट है तो रिटर्न टाइप इसने दे रखा जीरो, ठीक है मतलब प्रोग्राम तो ठीक है। अब हम चलते हैं इंट वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा आई इक्वल टू वन, ये प्रोसेस क्या होता है डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे व्हाइल लूप है स्टार्ट हुआ, ये ओपनिंग ब्रासेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गए, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 है और यहाँ पे इसने लगा दिया सेमी कोलन। सेमी कोलन क्या होता है सेंटेंस टर्मिनेटर। सेंटेंस टर्मिनेटर का मतलब क्या है, व्हाइल लूप की पूरी पूरी बॉडी यहीं पे खत्म हो गई, ये वाली जो काउंटिंग है ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रासेज है ये व्हाइल लूप की बॉडी का पार्ट अब नहीं है। व्हाइल लूप की बॉडी का पार्ट नहीं है तो मतलब कि यहीं पे खत्म हो गया, तो आई की वैल्यू तो होगी कितनी 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। हमने हमेशा बोला था कि कंडीशन चेक होने के बाद में व्हाइल लूप की जो बॉडी होती है उसके अंदर जो लूप काउंटर होता है वो या तो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ताकि वो कंडीशन को फोर्स करने की तरफ बढ़े कि भाई कहीं ना कहीं जाकर के तो ये जो लूप है एंड होगा। लेकिन ये यहीं पे एंड हो गया है व्हाइल लूप का, तो क्या हुआ आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू हो गई और ये प्रोग्राम हमारा इसी पॉइंटर के ऊपर अटक के रह जाएगा, इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा, तो इनडेफिनेट टाइम यही चीज को रन कराता रहेगा। तो इस प्रोग्राम को कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि प्रोग्राम हमारा डेडलॉक के अंदर फंस गया है, इनडेफिनेट लूप के अंदर फंस गया है। तो दिस इज एन इनडेफिनेट लूप एंड इट डज नॉट गिव एनी आउटपुट एट ऑल। ए डॉट बी के अंदर क्या है, हमारे पास हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं एक्स वाई एंड जेड, जिसमें वाई एंड जेड को केवल डिक्लेयर कर रखा है, एक्स को डिक्लेयर कर रखा है विद इनिशियलाइजेशन, एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पे 4। अब वाई इक्वल टू माइनस माइनस एक्स, माइनस माइनस एक्स का मतलब हो गया प्री डिक्रीमेंट, कि एक्स की वैल्यू इवेल्युएट होगी इस एक्सप्रेशन के अंदर उससे पहले डिक्रीज हो जाएगी, तो मतलब 4 की वैल्यू 4 माइनस 1 हो गए तो यहाँ पे हो गई 3, तो y के अंदर क्या चला गया 3। अब z इक्वल टू x माइनस माइनस x की वैल्यू भी यहाँ पे प्री डिक्रीज होकर के 4 से हो गई थी 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 3, और 3 माइनस माइनस ने बोला तो पहले तो असाइन हो जाएगा z के अंदर, उसके बाद में डिक्रीज हो जाएगा 2 से, तो आउटपुट के अंदर क्या आएगा x की वैल्यू तो हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 3, z की वैल्यू हो गई 3, तो आउटपुट आएगा 2 3 3। नेक्स्ट है ए डॉट सी, इसके अंदर भी सेम वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं लेकिन इसके अंदर टू वेरिएबल डिक्लेयर हैं विद इनिशियलाइजेशन, एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 3 है, जेड की वैल्यू हमको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया, जेड की वैल्यू इवेल्युएट होगी। तो देखिए जेड इक्वल टू एक्स माइनस माइनस एंड माइनस वाई, तो देखिए एक्स माइनस माइनस क्या हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा उसके बाद में एक्स की वैल्यू चेंज होगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 4 माइनस 3, तो कितनी आ गई वैल्यू 1, तो जेड की वैल्यू तो कितनी आ गई 4 माइनस 3 मतलब कि 1, लेकिन एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो गया है तो उसके बाद में पोस्ट डिक्रीमेंट जो है वो अपना काम करेगा और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो 4 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 3, तो एक्स की वैल्यू हो गई 3, जेड की वैल्यू हो गई 1 और y की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 3 थी, तो x y z के प्रिंट के अंदर क्या करेगा 3 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है a डॉट d, इसके अंदर भी हमें सेम बताना कि आउटपुट के अंदर की क्या आएगा, while a is less than b, तो देखिए ये लूप के अंदर क्या कर रहा है, इसके अंदर यहाँ पे इसने टर्मिनेट को सीक्वेंस ये सेंटेंस को तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन कंडीशन देखिए
स्मॉल ए इज लेस देन स्मॉल बी। जब भी हम इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं तो इंटीजर वेरिएबल के ऊपर तो रिलेशनल ऑपरेटर अप्लाई होते हैं, तो क्या करेगा, ये जो लिटरल है, कॉन्स्टेंट है करेक्टर टाइप के, इनकी आस्की कोड जनरेट करेगा, और ए का आस्की कोड हमेशा बी के आस्की कोड से लेस देन ही रहेगा, तो ये कंडीशन ऑलवेज विल बी ट्रू। तो ये हमारा फंक्शन क्या करेगा, ये प्रोग्राम क्या करेगा, प्रिंट अप मलयालम इज ये दिस, ये प्रिंट करता ही रहेगा, इस प्रोग्राम का कभी एंड नहीं आएगा, तो ये भी इंफिनिट लूप के अंदर फंसेगा और केवल प्रिंट करता रहेगा मलयालम इज ए पैलिंड्रोम, और कुछ भी प्रोग्राम हमारा आउटपुट के अंदर नहीं देगा, केवल और केवल मलयालम ये प्रिंट करता रहेगा। ए डॉट ई, इसका भी प्रोग्राम बताना है, तो देखिए इसके अंदर भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर दिया है, वाइल आई इक्वल टू 10, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं कर रखा, हमने पहले बोल रखा है लूप वाइल लूप के स्ट्रक्चर के अंदर कि जब कंडीशन चेक करने से पहले जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है, यहाँ पे जो असाइनमेंट कर रखा है असाइनमेंट इनकरेक्ट है, इसको असाइनमेंट को यहाँ पे बाहर होना चाहिए था, तो ये प्रोग्राम एरर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डॉट एफ, एक्स की वैल्यू आ रही है 1.1, वाइल एक्स इक्वल टू 1.1, और ये प्रिंट अप करता रहेगा ये, तो देखिए x की वैल्यू 1.1, देखने से हमें क्या लग रहा है कि 1.1 इक्वल टू 1.1 है, लेकिन देखिए फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल के अंदर कई डेसिमल लेवल तक जाता है, तो ये 1.1 जो इसके अंदर डिक्लेयर कर रखा है एक्चुअली 1.1 नहीं होगा, ये तो 1.1 है लेकिन ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, ये फ्लोटिंग टाइप कॉन्स्टेंट है, तो इसकी तो वैल्यू फिक्स हो गई 1.1, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, तो एक्स की वैल्यू हो सकता है 1.1000000 जाके .1 आएगी, तो ये वैल्यू कभी भी ट्रू नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, आउटपुट क्या आएगा, ब्लैंक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के फिफ्थ चैप्टर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.A। इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया अटेम्प्ट द फॉलोइंग, अटेम्प्ट द फॉलोइंग के अंदर क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट ओवर टाइम पे फॉर 10 एम्प्लॉयज, 10 एम्प्लॉय का ओवर टाइम निकालना है, ओवर टाइम इज पेड एट द ₹10, ₹12 पर आवर फॉर एवरी आवर वर्कड अबाउट 40 आवर्स, अज्यूम दैट एम्प्लॉय डू नॉट वर्क फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन आवर, मतलब की एम्प्लॉय पूरे घंटे के अंदर पूरे आवर्स के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, तो 10 एम्प्लॉयज की हमें आवर्स निकालनी है, मतलब ओवरटाइम कैलकुलेट करना है ₹12 पर आवर के अकॉर्डिंग, तो इसके लिए हमारे पास 10 तो है एम्प्लॉयज, उनके नाम हमारे पास में नहीं है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर देंगे ऑर्डर नंबर 1, 2, 3 से, और किस एम्प्लॉय ने कितने आवर्स कैलकुलेट करें एक्स्ट्रा काम करा है, तो उस चीज को हम इससे कैलकुलेट करना है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इनपुट के अंदर क्या लेंगे, इनपुट रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ ओवरटाइम आवर्स, कितना उसने ओवरटाइम करा है उसके अकॉर्डिंग, और एम्प्लॉय का नंबर तो हम अपने आप डिफाइन कर देंगे, एम्प्लॉय नंबर 1 ने कितना करा है, एम्प्लॉय नंबर 2 ने क्या करा है, तो इस चीज को हम इंप्लीमेंट करते हैं व्हाइल लूप के थ्रू, सबसे पहले फाइल सेव कर लेते हैं ताकि कुछ गड़बड़ होने पे हमारा डेटा लॉस ना हो, ओवर टाइम सबसे पहले हमने लिखा इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर है लाइब्रेरी, अभी इंक्लूड conio.h, ये किस लिए यूज में लेते हैं, हमारे हर प्रोग्राम के अंदर बताते हुए हैं, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको स्टडी करें, गेट फॉर होल्डिंग स्क्रीन एट आउटपुट, CLRSCR फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन इफ एनी आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन आवर कमांड प्रॉम्प्ट और आउटपुट स्क्रीन। तो देखिए अगर हम लूप का यूज ना करके नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, 10 तो एम्प्लॉय हो जाते हैं, इंट emp1 emp2 emp3, ऐसे करके टोटल 10 एम्प्लॉय की वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, लेकिन हमारे पास में वेरिएबल एक से ही काम हो जाएगा, इंट एम्प्लॉय नंबर, ये हमारा एम्प्लॉय नंबर हो गया, हमारे पास में टोटल 10 एम्प्लॉय हैं, और वर्किंग आवर्स किसके कितने ये हमें इनपुट के अंदर लेना है, ओवर टाइम आवर्स ये यहाँ पे हो गए हमारे पास में,
तो देखिए इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले व्हाइल लूप को करने के लिए हम आई को इनिशियलाइज कर देते हैं, आई इक्वल टू वन से हमने स्टार्ट कर दिया। व्हाइल कंडीशन चेक क्या करेंगे, जब तक कि 10 एम्प्लॉय पूरे ना हो जाएं, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तब तक ये वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा प्रोग्राम का। उसके बाद में हमने क्या बोला था कि जो लूप इनिशियलाइजेशन है, लूप काउंटर है, वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई प्लस वन, या फिर हम इसको कर सकते हैं आई प्लस प्लस। ठीक है, अब देखिए प्रोग्राम के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा। हमने लिया है एक ओवर टाइम को लेने के लिए और एक एम्प्लॉय के नंबर को लेने के लिए। तो एम्प्लॉय का नंबर तो यहाँ पे हो गया था आई, जो हमने लिख रखा है ये एम्प्लॉय नंबर, एक्चुअली ये हमारा प्रोग्राम एरर देता है, इसको एम्प्लॉय नंबर से करना पड़ेगा। एम्प्लॉय नंबर देखिए, अब कहेंगे कि आपके दिमाग में आइडिया कैसे है कि इसको कैसे करना है, क्योंकि देखिए हमने अभी तक तो हमने नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे इफ एल्स का यूज करके किस तरह से क्या काम करना। तो 10 एम्प्लॉय की अगर हमें डेटा इनपुट में ले लेते, हम 10 वेरिएबल डिक्लेयर करते, 10 टाइम स्कैनअप लिखते, 10 टाइम प्रिंटअप लिखते, 10 टाइम उन्हें कैलकुलेट करते किसकी वैल्यू क्या है, किसका ओवर टाइम कितना है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, व्हाइल लूप हमने स्टडी कर लिया, व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर हमें पता है, तो एक ही तरह का टास्क हमें बार बार रिपीट करना था, तो कैसे करेंगे। देखिए हमको हर एम्प्लॉय का एंट्री लेनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले करते हैं प्रिंट एफ एंटर ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन सा है, परसेंटी फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने लिखा और यहां पे कर दिया हमने एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, ये हमारा प्रिंट होता रहेगा। इसके बाद में इसकी वैल्यू को हमें स्कैन करना है, इसका ओवर टाइम कितना था, हम क्या लिखेंगे स्कैन एप, स्कैन में परसेंट डी क्या यूज करता है हमारा, ये बताता है कि किस तरह का डेटा हमें इनपुट में आ रहा है। एम परसेंट एम पी नंबर, एम परसेंट बताता है मेमोरी लोकेशन वेरिएबल की। तो देखिए इसके थ्रू हमने इनपुट के अंदर ले लिया। अब इस प्रोग्राम को हम रन करा के एक बार चेक कर लेते हैं ताकि हमको लगे हम कर क्या रहे हैं। Alt F9 सही है, Control F9। देखिए क्या लिखा है, एंटर ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय 1, तो ये डाल दिया हमने यहाँ पे 34। इसके बाद हम लाइन ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू चली जाएगी एम्प्लॉय नंबर की, स्कैन एप के अंदर इसकी डेटा एंट्री हो गई है, आई इज लेस देन इक्वल टू 1 है और ये सब कुछ हो गया। ओवर टाइम एच वैसे का वैसे लिखा रहेगा। F2 हमने सेव कर दिया, कंट्रोल F9। अब देखिए एंटर ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय 1, तो हमने क्या एंट्री करी 23। डेट टाइम ऑफ डिस्क बार बार क्यों चेंज होता जाता है, देखिए हमने क्या गड़बड़ कर रखी है। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, एम्प्लॉय नंबर का हमने वापस इनपुट में ले लिया कि इनपुट में क्या डाल रहे हैं, जबकि हमें इनपुट में क्या लेना था, ओवर टाइम आवर्स। ओवर टाइम आवर्स ना लेकर के चलिए हम ले लेते हैं इसके अंदर टोटल वर्किंग आवर्स, ताकि इफ एल्स का यूज भी कर लेंगे। टोटल आवर्स के हमने इसके ऊपर एंट्री ले ली है। अब हम इसको रन करा लेते हैं। एम्प्लॉय 1 के टोटल वर्किंग आवर्स कितने हो गए 34, एम्प्लॉय नंबर 2 के कितने आ गए 56, 1, 2, 78, 34, 67, 1, 2। देखिए इतना सारा काम हो रहा है, हमने केवल एक बार लिखा है प्रिंटअप और स्कैनअप, ये सारा कुछ हमारा होता जा रहा है जितने वैल्यूज है। अगर 100 एम्प्लॉय होंगे तो 100 एम्प्लॉय के लिए भी सेम ही काम करेगा। तो इस तरह से लूप का हम यूज कर रहे हैं। अब हमने यूज क्या करा हुआ है,
टेन एम्प्लॉयज तो हैं, 10 एम्प्लॉयज का आवर्स कैलकुलेट करना है, तो उनका टोटल मतलब ओवर टाइम कितना कैलकुलेट हो गया, पर आवर का हमें क्या दिया था 12 आवर्स, मतलब 12 रुपए पर आवर के अकॉर्डिंग उनका दिया हुआ था हमको ओवर टाइम। तो ओवर टाइम अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, देखिए डिस्प्ले में देते हैं हम यहाँ पे प्रिंट एफ, देखिए डायरेक्ट नहीं करके हम सिंपली कर देते हैं कि उसका टोटल ओवर टाइम कितना बन रहा है, टोटल ओवर टाइम, ओवर टाइम की रेट कितनी होगी यहां पे लिख लेते हैं, टोटल ओवर टाइम कितना बनेगा उसका, कि जो भी आपने आवर्स एंट्री करे हैं उसके वर्किंग आवर्स, उसमें से 40 आवर्स तो माइनस हो जाएंगे, क्योंकि 40 आवर्स तक तो किसी का ओवर टाइम बनेगा नहीं, उसके बाद में जो चीज आएगी उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो ये उसका हो गया टोटल वर्किंग, टोटल ओवर टाइम का पैसा। अब इसको हम डिस्प्ले में दे देते हैं, प्रिंट एफ ओवर टाइम चार्जेज ऑफ एम्प्लॉय इज परसेंट डी, परसेंट डी पहले क्या एम्प्लॉय, तो यहां पे आ जाएगा एम्प्लॉय का नंबर, सेकंड वाला क्या ओवर टाइम, तो टोटल ओवर टाइम। तो देखिए हमने सिंपल सा काम करा हुआ है, और यहां पे हम स्लैश 4 लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाए, और एक और प्रिंट अप स्टेटमेंट दे देते हैं ताकि लाइन ब्रेक प्रॉपर तरीके से देखिए कि अलग अलग एम्प्लॉय का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। टैब 2 से हमने सेव कर दिया, ऑल्ट एफ 9 से हमने डीबग करके चेक कर लिया, कंट्रोल एफ 9, एम्प्लॉय 1 देखिए इसका मैंने डाला 34 का ओवर टाइम चार्जेज ऑफ एम्प्लॉय 1 इज -72, गड़बड़ा है ये 45, ये ओवर टाइम चार्जेज ऑफ एम्प्लॉय 2 इज 60, क्यों, क्योंकि 40 आवर्स तक का तो हमने कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना था, 45 उसने एंट्री करी है तो 5 आवर्स उसके एक्स्ट्रा थे, तो 5 × 12 = 60, एंटर ओवर टाइम आवर थर्ड का करते हैं, ये मान लीजिए हमने 40 करा है तो इसका ओवर टाइम वैल्यू कितना आएगा, ओवर टाइम वैल्यू आएगा इसका 0। फोर्थ वाले एम्प्लॉय के ये हमारा कुछ स्टेटमेंट गलत जगह पे एंट्री हो गई है, लाइन ब्रेक उसकी वजह से गड़बड़ आ रही है, इसको जल्दी खत्म करके वापस इसको सही करते हैं। देखिए हमारा जो भी आउटपुट आ रहा था यहाँ पे कुछ अलग ही वैल्यू आ रही थी नेगेटिव के अंदर, बट ओवर टाइम किसी का नेगेटिव तो हो नहीं सकता, जैसे मान लीजिए किसी ने 35 आवर्स की वर्किंग करी थी, तो 35 − 40 करा तो -5 आ गया, -5 को मल्टीप्लाई किया 12 से तो -60 आ गया, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इफ टोटल आवर्स इज ग्रेटर देन 40 तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज टोटल ओवर टाइम चार्जेस कितना हो गया उसका 0। ठीक है, ये क्यों हुआ, हमने यहां चेक कर लिया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जा रही थी, तो हमने क्या लिखा, इफ अगर 40 आवर से ऊपर का उसका वर्किंग आवर्स है तो हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज तो उसका ओवर टाइम कितना हो गया 0, और हमने यहां पर प्रिंट अप यहां दे दिया है टोटल एच, ये प्रिंट एफ स्कैन एप उसके ऊपर चला गया, उसके एंट्री कर दी और ये सब हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं, हटा देते हैं, चलते रहने दो, कंट्रोल एफ 9। अब हम चेक करते हैं, जैसे कि हमने पहले डाला था 35, तो देखिए ओवर टाइम चार्जेस ऑफ एम्प्लॉय 1 इज 0 क्योंकि 40 से कम आ गया वो, सेकंड एंटर ओवर टाइम आवर्स ऑफ वैल्यू 2, सेकंड एम्प्लॉय की ओवर टाइम डालने हमको जैसे मान लिया 41 डाला तो उसका ओवर टाइम चार्ज कितना देना 12 आना चाहिए, तो 12 आ गया, एंटर ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय 3, थर्ड वाले करना है तो क्या करना है, जैसे मैंने डाले यहाँ पे 45 तो 60 आना चाहिए, 60 आ गया, फोर्थ का हमने 50 डाला तो 120 आना चाहिए, 120 आ गया, फिफ्थ की एंट्री ले रहा है ये आ गया 34 तो हो गया 0, 31 0, 78 करा तो कुछ वैल्यू आई 456, ये कर दिया 9, ये आ गया 0, ये 45, ये हो गया 0,
टेन की वैल्यू डाली, यहाँ पे डाली फाइव। अब देखिए इसी प्रोग्राम को हम और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं जो कि हमको बिल्कुल क्लियर क्लियर समझ में आने लगे। देखिए यहां से हम इसको हटा देते हैं, प्रिंट एप को, और जैसे ही यहां पर आएगा वो व्हाइल लूप के अंदर हम प्रीवियस में जो भी लिखा हुआ है उस स्क्रीन को बिल्कुल एकदम क्लियर कर देंगे, लूप हमारा 10 टाइम चलेगा और हमको हर एम्प्लॉय की कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से बताएगा। एंटर ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय 1, ये हमने एंट्री करी 34, गलत जगह पर लग गया, ये स्टेटमेंट ही खत्म हो जाता है, जल्दी जल्दी कर देते हैं। देखिए ये जो हमने सी एल आर एस सी आर लगाया है इसको यहां से हटाते हैं हम, किस जगह पे लगाना चाहिए, यहां से तो हमने प्रिंट करा कि एम्प्लॉय किस एम्प्लॉय की हमें वैल्यू लेनी है, यहाँ पे हमने उसको स्कैन करा, यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन करी, यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले में दे दिया। अब स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, GETCH, तो हमने इसको यहाँ पे लगाया GETCH, यहाँ पे स्क्रीन हमारी होल्ड हो जाएगी। उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे क्लियर स्क्रीन। अब इसको कंट्रोल एफ9 से कराया, एंटर ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय 1, ये डाला हमने यहाँ पे मान लीजिए 15, तो क्या लिखा हुआ है, ओवर टाइम चार्जेस ऑफ एम्प्लॉय 1 इज 0। इससे पहले जब हमने करा था तो जैसे ओवर टाइम चार्जेस दिखा था उसके जस्ट नीचे सेकंड वाले की एंट्री मांग लेता था, लेकिन इस बार उसने नहीं मांगी क्योंकि हमने एंट्री क्या कर दिया, GETCH लगा दिया, गैच कि स्क्रीन होल्ड पे, अगर मैं कोई की प्रेस करूंगा तभी क्लियर हो गया और ऊपर आ गया एंटर ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय 2। पुराना क्यों क्लियर हो गया, क्योंकि हमने सी एल आर एस सी आर लगा रखा था क्लियर स्क्रीन। यहाँ पे देखिए 45 करा तो इसकी वैल्यू हो गई 60। ऐसे 1 by 1 की जहां पे हमें जिस फंक्शन का यूज करना है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से व्हाइल लूप का यूज होता है, सभी हर स्टेटमेंट की अपनी वैल्यू होती है, उसको कहाँ पे यूज करना चाहिए, ऐसे हम आने वाले हर प्रोग्राम के अंदर इस तरह से हर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हमें कहाँ यूज करना चाहिए कहाँ यूज नहीं करना चाहिए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के फिफ्थ चैप्टर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.B। इसके अंदर हमें क्या बोला गया, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ एनी नंबर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड। तो कोई भी नंबर हम एंट्री करेंगे उसकी फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी, तो फैक्टोरियल वैल्यू क्या निकालनी होती है, जैसे मान लीजिए कि हमको बोला जाता है फैक्टोरियल ऑफ 5, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी फैक्टोरियल 5 की वैल्यू। अब इसकी जगह पे अगर हमें पचौ कितना हो गया, 5 चौक 20, 60 दूनी 120, अगर बोला जाता है फैक्टोरियल ऑफ 10 तो वो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इसी एक्सप्रेशन को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर हम प्रोग्रामिंग के अंदर जाएंगे इवेल्युएट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि अब जैसे मान लीजिए हम व्हाइल लूप का यूज नहीं करते तो हम जैसे फैक्टोरियल 5 है तो उसको 5 बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते मल्टीप्लाई करते हुए जाते, या फिर 5 बार स्पेसिफाई करते हर नंबर के अकॉर्डिंग कहां से कहां तक जाना है। लेकिन अब हम लूप पढ़ चुके हैं तो लूप के अंदर हमें पढ़ा है कि ये वैल्यू कहां तक जानी है, 1 तक, और जो भी इनपुट के अंदर हमारे पास मान लीजिए एंट्री देगा तो उस वैल्यू को जैसे 10 दिया तो 10 को माइनस करते हुए लेके जाना हमें 1 तक, अगर उसने 100 भी दिया तो उसको माइनस करते हुए ले जाना हमें 1 तक। तो देखिए हमें कैसे पता लगा, इसके अंदर लूपिंग जो काउंटर था हमारा उसके अंदर हमें यूज क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, जो भी नंबर हमारे पास में इनपुट में आएगा उस नंबर को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन चेक क्या है, 1 की तरफ बढ़ना है, कि जो भी नंबर हमें दिया हुआ है नंबर जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक वो कैलकुलेशन करता रहेगा, जैसे ही 1 से कम होगा वो लूप से बाहर आ जाएगा और प्रिंट अप के अंदर दे देगा। तो चलिए इसका प्रोग्राम हमारा बनाते हैं फैक्टोरियल निकालने के लिए, फाइल सेव कर देते हैं factorial.c के नाम से। धीरे धीरे प्रोग्रामिंग के अंदर आपको मजा आने लगेगा कि हाँ कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जो कि मैनुअल काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता, अब प्रोग्रामिंग से बहुत इजी होने लगे। s include ponio.h
वाइट मैन, GETCH, इंट नंबर जो हम इनपुट के अंदर लेंगे और फैक्टोरियल वैल्यू को हम फैक्ट हमने यहाँ पे डाल दिया है। CLRSCR क्लियर स्क्रीन के लिए हमने एंट्री कर दी। गेच हमने डाल रखा है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, जो कि कोनियो डॉट एच का एक कंपोनेंट है। अब हम इसको यूज करते हैं, हमें यूज करना है वाइल लूप को ही। तो वाइल लूप के अंदर देखिए, सबसे पहले इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज हम कैसे करेंगे, इनपुट लेंगे यूजर से कि किसका इनपुट निकालना है। प्रिंटफ एंटर एनी इंटीजर नंबर, ये नंबर जो है वो इसके अंदर एंट्री हो जाएगी। कैसे लेना है, स्कैनर के अंदर परसेंट डी परसेंट नम, ये हमने स्कैन ले लिया। एम परसेंट क्यों लगाते हैं, मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर वेरिएबल। अब हम लिख रहे हैं वाइल लूप। देखिए इनिशियलाइजेशन तो हमने यहाँ पे इसका ये करवा दिया कि जो वैल्यू आई है उसकी ये हो गया यहाँ पे इनिशियलाइज। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, लूप काउंटर को कहाँ से शुरुआत करनी है। अब हमें चेक करना है कि जो नम आ रहा है, नम की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तब तक हमें इस फंक्शन को एग्जीक्यूट, फंक्शन क्या मतलब इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना रहेगा। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, नम को हमेशा डिक्रीज करते हुए चलेंगे, जैसा कि अभी हमने डिस्कशन करा था कि जो भी नंबर आएगा उसको डिक्रीज करते हुए ले जाएंगे, वो वन की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। फैक्ट कैसे मिलेगा, फैक्ट के अंदर क्या आएगा, फैक्ट की जो इनिशियल वैल्यू थी उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नम के साथ। तो फैक्ट की वैल्यू यहाँ पे कुछ थी नहीं, तो बाई डिफॉल्ट उसको वन कर देते हैं, क्योंकि वन को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आता है। ठीक है, आउटपुट के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इज, यहां पे आ जाएगा फैक्ट। अब देखिए इस स्टेटमेंट को मैं लिखूंगा तो यहां पे नंबर की वैल्यू आनी चाहिए, नंबर की वैल्यू करूंगा तो नंबर की वैल्यू तो यहां पे वन आ गई, तो यहां पे हमेशा ऑलवेज ये क्या लिखा होगा, फैक्टोरियल ऑफ वन इज दिस, तो ये हमारे पास में स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहां मैं हटा देता हूं, फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर इज, ये हो जाएगा। इसलिए क्या है कि किस चीज को किस वेरिएबल को कहाँ यूज करना है ये भी हमें पता होना चाहिए कि आउटपुट हमारा सही निकले। ठीक है, अब इसको हम Alt F9 से कंपाइल करा के चेक करते हैं। ठीक है, अब इसको हम रन कराते हैं कंट्रोल F9। एंटर एनी इंटीजर नंबर तो हमने एंटर करा 5 का फैक्टोरियल कितना आ गया 120। अब इसकी जगह पे हम करते हैं 10 का फैक्टोरियल कितना आ गया 24320। अब इसी चीज को देखिए हम अलग तरीके से, हम क्या कौन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए हम लिखते हुए चलते हैं यहाँ पे। आपको पता रहेगा कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है, ये इसका प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसका लॉजिक कैसे बिल्डअप होते हैं, कैसे यूज करने की, मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, ये आपको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट में रन करा के दिखा रहा हूँ। तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ रही है, अभी क्या किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए परसेंट डी मल्टीप्लाइड परसेंट डी, ये पहला परसेंट डी क्या है हमने लिखा का फैक्ट, और सेकंड क्या आ रहा है नम, ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है, और हर बार इनकी वैल्यू को हम नए स्टेटमेंट के अंदर चेक करते हैं। एफ टू सेव कर दिया कंट्रोल F9। जैसे मान लीजिए 10 एंट्री करा हमने, तो देखिए 10 को हमने एंट्री करा तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 90 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये कुछ हमने गलत एंट्री ले दी है, नंबर 10 चला गया। फैक्ट इक्वल टू, यहां तो देखिए इस स्टेटमेंट को हमें ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां तो फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, ये पहले लिखना है ताकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता लगे कि किसको किससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है। ये हमने एंट्री करी यहाँ पे 5 करते हैं, देखिए 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, क्योंकि इनिशियली सबसे पहले हम क्या वैल्यू को स्टार्टिंग करने थे, 5 हो गया, 5 को करा 4 से, 4 को ये उसका जो आउटपुट आया 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 20 हो गया, 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 हो गया 60, 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये हो गया 120। इसको और क्लियर कर देते हैं कि कैसे क्या आ रहा है, आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ तो हमने कर दिया था, बट यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं लगाया तो ये हमारा डिस्प्ले में नहीं आया था। ये देखा हमने 5, देखिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर आ गया 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई पर आ गया 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60, 60 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो गया 120। तो फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर इज 120। इस तरह से हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम कंप्लीट होता है। इसमें चेक करेंगे कैसे फैक्टोरियल की एक एक स्टेटमेंट का हमारा एग्जीक्यूशन चेक कराए, इस तरीके से सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और रन होता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 5th चैप्टर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन बी डॉट सी। इसमें हमें बोला गया अटेम्प्ट द फॉलोइंग, एक प्रोग्राम बनाना है। 2 नंबर्स आर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, 2 नंबर्स के हमें एंट्री लेनी कीबोर्ड के थ्रू। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 नंबर रेस्ट टू द पावर ऑफ अनदर, पावर निकालनी है एक नंबर की दूसरे के ऊपर। जैसे मान लीजिए हमने एंट्री करी 2 एंड 3, तो 2 की पावर 3 हमें निकालना है। तो इसको निकालने का देखिए हमारे पास, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर रखे हैं पावर फंक्शन का, अगर यूज करेंगे तो पावर 2 3 करेंगे तो 2 की पावर 3 हमें निकाल के दे देगा। लेकिन अगर हमें पावर फंक्शन का यूज नहीं करना है, नॉर्मल जैसे हम कैलकुलेशंस करते हैं हमारे मैथमेटिक्स के सवाल के अंदर, उस तरीके से अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, उतने टाइम उसको रन कराएंगे, उतने टाइम उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 अगर हमें निकालना पड़ता तो हमें क्या करता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 5 बार होता तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ऐसे हमें बहुत सारे केस जनरेट करने पड़ते हैं कि भाई जो सेकंड नंबर है वो इनपुट में आ रहा है, उतने टाइम उसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको व्हाइल लूप के थ्रू कैसे करेंगे वो हम हमारे प्रोग्राम में चेक करते हैं। प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं power.c as include stdio.h as include conio.h। ये दो हेडर फाइल हैं जो कि ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम के अंदर आपको देखने को मिलेगी कि इनका यूज करना ही करना पड़ता है। h CLR SCR for clear screen, the variable int a and b. Now we should calculate a raised to power b, मतलब कि a की पावर कितनी होगी। अगर इसको मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू हम करते तो पावर a बी, ए की पावर बी, ऐसे कैलकुलेट हमें करना होता। तो देखिए हमें दोनों वेरिएबल्स को सबसे पहले तो इनपुट लेना पड़ेगा, printf एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर क्या है वो इनपुट के अंदर लेंगे, scanf %d m% आ गया a। इसके बाद में बोलते हैं सेकंड नंबर की एंट्री करो, एंटर सेकंड नंबर स्कैनर %d m% b। अब a की पावर b हमें कैलकुलेट करना है तो a को उतनी बार हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास में व्हाइल लूप अवेलेबल है जिसके कि हम स्टडी कर चुके हैं,
तो उसको कितनी बार करना है, मल्टीप्लाई व्हाइल बी इज ग्रेटर देन जीरो। जीरो से जब तक बड़ा रहेगा तब तक उसको उससे प्रिंट करने के लिए हम बोलते रहेंगे बी माइनस माइनस, ये हमने यहां पे लिख दिया है। और किसको किससे माइनस करना है, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। तो जो वैल्यू स्टोर हो रही होगी वो किसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही होगी, वैल्यू नाम का वेरिएबल ले लिया हमने, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू मान लीजिए हम वन दे देते हैं क्योंकि वन को किसी से मल्टीप्लाई करें तो सेम आउटपुट आता है। तो वैल्यू इक्वल टू कितना आ गया, वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई ए। कैलकुलेटेड वैल्यू इज परसेंट डी, यहां पे आ गया यहां पे वैल्यू। इसको हमने सेव कर दिया, ओल्ट एफ नाइन से हमने खरा कोई एरर नहीं। देखिए हमने प्रोग्राम में क्या करा है, सबसे पहले तो ए की वैल्यू एंट्री ले ली, जैसे मान ली 2 की पावर 3 हमें निकालना है तो ए के अंदर तो हम एंट्री करेंगे 2 और बी के अंदर करेंगे 3। अब हमने यहाँ पे बी को इनिशियलाइज कर दिया कहाँ से, 3 से। तो और जहां पे हमने क्या रखा है, बी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब 3 इज ग्रेटर देन जीरो क्योंकि बी ए को हमको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 1 जब तक चलेगा तब तक हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे वैल्यू आ गई ए, वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया ए से, तो ए की जो भी वैल्यू आई थी उसको ए से वापस से मल्टीप्लाई कर दिया है, जो नॉर्मल हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। इसको अगर आपको प्रिंट करके चेक करना तो जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम में चेक करा तो वैसे चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम इसका प्रोग्राम का आउटपुट चेक कर लेते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर हमने लिखा 2, सेकेंड नंबर हमने इनपुट के अंदर कहीं कुछ गड़बड़ करी है, प्रिंट अप एंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू दिस, स्कैन अप एंटर सेकंड नंबर, यहां पे आ गया हमारे पास में परसेंट बी, इसको हमने कर दिया सेव। बी इज ग्रेटर देन जीरो, तो बी की वैल्यू इसको इनपुट में नहीं ले रहा है तो लेनी चाहिए थी, कोई गड़बड़ हो गई है, रन करा लेते हैं। तो वापस से ए की वैल्यू हमने दे दी 2, बी की वैल्यू आ गई 3। तो क्या आना चाहिए, 2 को मल्टीप्लाई करना 3 पे, मतलब 2 raised to 3, तो मतलब 2 multiplied by 2 multiplied by 2, मतलब 2 to 4 to 8 आउटपुट आना चाहिए हमारा, तो ये आ गया 8। सेम अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 5 से, तो आना चाहिए हमारे पास 32, तो आ गया 32। तो इस तरीके से हमारा नॉर्मल फंक्शन कैलकुलेट हो गया है। तो इस तरह से हम सारे फंक्शंस को बना सकते हैं। ये व्हाइल लूप का हमारा एक और एग्जांपल आ गया कि दो अलग अलग कैसे यूज करते हैं, जो नॉर्मल हमारा मैथ डॉट एच के अंदर पावर फंक्शन है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया गया होगा, ये आपको यहाँ पे आइडिया लग गया कि पावर डॉट मैथ डॉट एच जो हेडर फाइल है उसके अंदर जो पावर फंक्शन है ये वाला, इस फंक्शन के अंदर की जो भी कमांड लाइन है वो आपको पता लगे कि वो कमांड लाइन ये होती है और कुछ नहीं, उसका फंक्शन बना के आपको यूज करने के लिए दे दिया। तो इस तरह से आप अपनी हेडर फाइल जो बना पाएंगे, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सब कुछ सीखेंगे कि जो हेडर फाइल जो बनाई हुई है वो कैसे बनाई जाती थी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 5th चैप्टर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की एक्सरसाइज क्वेश्चन बी डॉट डी। इसके अंदर बोला गया अटेम्प्ट द फॉलोइंग, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द आस्की वैल्यूज एंड देयर इक्विवेलेंट कैरेक्टर यूजिंग ए व्हाइल लूप, द आस्की वैल्यू वेरी फ्रॉम 0 to 255। आस्की वैल्यूज के साथ साथ उसके कैरेक्टर्स के प्रिंटिंग में करवाने। तो दोस्तों देखिए अब जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं, एग्जांपल्स करते जा रहे हैं, तो अभी जो हम पिछले 2-3 एग्जांपल जो भी हमने करा उसके अंदर हमने देखा है कि हमारे जो पिछले 4 चैप्टर हमने पढ़े थे उन सभी चैप्टर का यूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हमने पिछले 4 चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी तो अब प्रोग्राम को समझने में हमको दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि हम धीरे धीरे एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं, एक्चुअल प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर भी हमसे क्या बोला गया है कि देखिए इंटीजर टाइप के कांस्टेंट होते हैं, कैरेक्टर टाइप के कांस्टेंट होते हैं, इंटीजर्स के ऊपर कैलकुलेशन कैसे होती है, कैरेक्टर के ऊपर कैलकुलेशन कैसे होती है, इन सब के ऊपर डिस्कशन होगा। इसके अंदर हमें बोला है आस्की वैल्यूज को प्रिंट करवाना है जो कि 0 से लेकर 255 तक जाती है,
तो इनपुट के अंदर तो बात तो कर रहा है 0 से 255 तक की ASCII वैल्यूज की, वो प्रिंट में हमसे करवा रहा है कैरेक्टर। तो कैसे प्रिंट कन्वर्ट होगा कि टाइप कन्वर्जन कैसे हो जाता है अपने आप, कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सब हम इसके अंदर चेक करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, वाइल हम लूप रन कराएंगे कब तक, कहां से कहां तक, लूप काउंटर जो है जब तक 255 तक नहीं पहुंचा है तब तक हमको प्रिंट के अंदर लेना है। प्रिंट के अंदर कैसे लेंगे, ASCII वैल्यू जैसे मान ले 65 है, तो 65 का कैरेक्टर क्या होगा ASCII का, या फिर कैरेक्टर के ऊपर बात करेंगे कैपिटल A का ASCII कोड क्या होगा, तो ये हमें सब कुछ याद तो रहेगा नहीं, हम चीजें जो आइडेंटिफाई करते हैं इसी प्रोग्राम के थ्रू। 0 से 255 तक हम लूप चलाएंगे और 255, 254, 250 जो भी नंबर है वो पर्टिकुलर किस ASCII वैल्यू के अकॉर्डिंग है, किस कैरेक्टर का ASCII कोड है, वो हम इसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए चलते हैं प्रोग्राम के अंदर। सेव कर देते हैं इसको ASCII नाम से, ठीक है। सबसे पहले हमने हेडर फाइल चूज कर लिया इंक्लूड डॉट एच फोनियो डॉट एच वॉइड मैन, ये फंक्शन हो गया हमारा, ये हमारी क्लियर स्क्रीन, ये कैच इंट, तो वैल्यू हमारी जो ASCII की वैल्यू है हमने 0 से शुरू करी है, 255 तक लेके जाएंगे। तो ये कहां लेंगे, वाइल ASCII इज लेस देन इक्वल टू 255, तब तक हमको इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना है, और एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो ASCII कोड को हमेशा इंक्रीज करेंगे क्योंकि हमें फॉल्स कंडीशन की तरफ बढ़ना है, 0 से लेकर 255 तक जाना है। अगर इसको माइनस कर देंगे तो इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस करके यहीं पे रह जाएंगे। अब हमें क्या प्रिंट करना है, ASCII वैल्यूज। तो दोस्तों हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल आपका कैरेक्टर टाइप का है और आप उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई इंटीजर टाइप का कर देते हैं, तो उस कैरेक्टर की ASCII कोड क्या है वो हमको आउटपुट के अंदर प्रिंट टाइप के अंदर आ जाएगा। तो वही लॉजिक हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, कैरेक्टर ऑफ ASCII वैल्यू, ASCII वैल्यू क्या आएगी जो हमारे पास में आ रही है इस वेरिएबल के अंदर, उसका कैरेक्टर क्या होगा, यहां पे हमने दे दिया परसेंट सी, और ये वापस से ASCII की वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया और ये हमने कर दिया सी। तो देखिए पहला जो ASCII हमने लिखा है ये है परसेंट डी, जिसका फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या करा है इंटीजर, तो उसकी इंटीजर वैल्यू हमारे पास में प्रिंट होगी। और सेकंड का हमने लिखा परसेंट सी, मतलब कि फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या है कैरेक्टर टाइप, तो इस ASCII वैल्यू का जो भी कैरेक्टर होगा वो हमारे पास में डिस्प्ले के अंदर आएगा। न्यू लाइन कैरेक्टर के बाद में इसको चालू करेंगे, हम इसको हम रन करा करके चेक कर लेते हैं। देखिए हर ASCII का वैल्यू का प्रिंट हो गया, ये हमें दिख नहीं रहा है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बाद में वापस से कर देंगे। ASCII वैल्यू 0 से छोड़ करके हम इसको यहां से कर लेते हैं 65 से स्टार्ट करते हैं, और मान लीजिए हम इसको 90 तक ले जा रहे हैं। F2 करा, कंट्रोल F9, देखिए 66, 65 से हमने शुरू करा था ना इसको, 65 ऊपर चला गया, इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं, 80 तक कर लेते हैं हमको, ताकि हमें एक्चुअल पता लगे। देखिए 65 जब इंटीजर वैल्यू थे उसके ASCII कोड क्या था, ए, तो उसने प्रिंट कर दिया। 66 का बी है, 67 का सी है, 68 का डी है, 69 का ई है, 67 का एफ है, तो इस तरीके से इसने पूरा का पूरा हमारा प्रिंट कर दिया है। तो हमारा जो फंक्शन था 0 से 255 तक, हम इसको सी पे ले जाते हैं और हमारे प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं। ये सेव हो गया, इसकी वैल्यू को
थोड़ा छोटा करते हैं, उसको टैब की वैल्यू हम एंट्री कर देंगे तो भी हमारा काम चल जाता है। जैसे मान लीजिए न्यू लाइन कैरेक्टर के अंदर एंट्री ना करके हम कर देते हैं इसको %T। %T का मतलब होता है टैब, टैब का इनपुट हमने दे दिया तो ये पूरी की पूरी ASCII वैल्यू प्रिंट हो गई है इसके अंदर। 255 की वैल्यू का कुछ भी नहीं होता, उसने हमें ब्लैंक छोड़ दिया, ब्लैंक स्पेस होता है। इस तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम रन हो गया है और हम इसके अंदर नॉर्मल लिख देते हैं कि ASCII वैल्यू 5 की ये हो गया यहाँ पे हम स्लैश n लगा देते हैं। तो इसको रन कराया, ये पूरा रन हो गया, तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया। ओके, तो इस तरीके से कैरेक्टर टाइप फॉर्मेट जो वेरिएबल हमारा कुछ भी हो, फॉर्मेट स्पेसिफायर से हम उसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। लेकिन ये चीजें एप्लीकेबल उसी पे जो कि आपस में इंटरचेंजेबल है, जो कन्वर्ट हो सकता है, कि मतलब इंटीजर की वैल्यू अगर आप 256 करोगे और उसको परसेंट से करोगे तो वो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ASCII वैल्यू से कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से रेंज के अंदर जब भी हम कोई काम करते हैं तो सब कुछ आउटपुट आउटपुट ठीक ठाक आता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 5th चैप्टर के लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.E। इसके अंदर हमें बोला गया अटेम्प्ट द फॉलोइंग, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट आउट ऑल आर्मस्ट्रांग नंबर बिटवीन 1 एंड 500। If sum of cubes of each digit of the number is equal to the number itself, then the number is called an Armstrong number. For example, 153 this. तो हमें 1 से लेकर 500 तक के बीच के जितने भी Armstrong number हैं, उनको डिस्प्ले में देना है, वो identify करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे मान लीजिए 153 का उन्होंने example दे रखा है कि 153, तो हमें सबसे पहले तो 1, 5 एंड 3 इनको अलग अलग करना पड़ेगा और उनका क्यूब निकाल के इनको सम करना पड़ेगा। इनको अलग अलग कैसे करते हैं, इनका लॉजिक क्या है, ये हम हमारे एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि एक नंबर का रिवर्स नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए जब भी हम मैथमेटिक्स के अंदर नॉर्मल काम करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, डेसिमल नंबर के ऊपर काम करते हैं भाई, जिनका बेस 10 होता है, तो 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू आती है, जो अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो वैसा का 10 से रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर के अंदर वो कब ही आ जाता है, जैसे कि 5 के ऊपर मॉड्यूल अप्लाई करेंगे 10 तो आउटपुट में क्या आएगा 5, 9 के ऊपर मॉड्यूल अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9। तो इनकी वैल्यूज को 10 से डिवाइड मॉड्यूलस ऑपरेटर अप्लाई करते हुए जाएंगे और डिवाइड करते हुए जाएंगे तो हमारे पास में एक एक डिजिट निकलती हुई चली जाएगी। तो सबसे पहले हमें डिजिट निकालनी है, उनके क्यूब निकाल के हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे जो भी हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं केवल सिंपल व्हाइल लूप का यूज करेंगे और इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे, हम इस प्रोग्राम को और भी इजी वे के अंदर कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं अगर हम नेस्टेड व्हाइल लूप का यूज करेंगे। तो नेस्टेड व्हाइल लूप कैसे यूज करते हैं वो आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम स्टडी करेंगे, बट इसके अंदर अभी केवल सिंगल व्हाइल लूप का यूज करेंगे और इफ एल्स का यूज करेंगे। तो चलते हम हमारे प्रोग्राम के अंदर चलते हैं, Armstrong F2 ठीक है। Include stdio.h गेट फंक्शन फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट, यहां पे हम वेरिएबल ले लेते हैं int i इक्वल टू 1 से हमें स्टार्ट करना है। व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू 500 आई प्लस प्लस, ये 500 तक इसको एग्जीक्यूट कराएगा। लेकिन हम हमें कैलकुलेट करना है कि डिजिट, देखिए इसके अंदर डिजिट हमारे पास में 3 ही होंगी, तो डी वन
डी टू डी थ्री। तो उसके लिए सबसे पहले एक नंबर और ले लेते हैं हम यहाँ पे वेरिएबल। तो हम देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर आई की वैल्यू तो 1 से लेकर 500 तक जाएगी, लेकिन नम के अंदर हम वो वैल्यू असाइन कर देंगे जो करंट आई की वैल्यू है, नम इक्वल टू आई। अब हम क्या कर रहे हैं, नम के अंदर तो आई को असाइन कर दिया, नम को डी वन क्या होगा, नम के ऊपर मॉड्यूलस ऑपरेटर अप्लाई करा हमने 10, जी हमारे पास में फर्स्ट डिजिट आ गई है लास्ट वाली। अब नम की वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी, नम डिवाइडेड बाई 10। इसको हमने कंप्लीटली एक्सप्लेन करा है जब हम फंक्शन नंबर रिवर्स नंबर निकालने के लिए जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसके अंदर, तो आप इसलिए प्रोग्राम को जाके चेक करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि इसको हमने क्यों यूज करा हुआ है। बेसिकली देखा जाएंगे तो थर्ड वाले नम की इसके हमें रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, क्योंकि जो 10 से डिवाइड होने के बाद जो नंबर बच जाएगा वो ही तो नंबर हमारा D3 हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको यूज कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, क्या आई की वैल्यू इफ आई इक्वल टू ऑफ पावर दिस एंड दिस, लेकिन हम इसको ऐसे यूज नहीं करेंगे, इसको हम यूज कैसे करेंगे, पावर मेथड और टेस्ट का भी हम यूज नहीं करेंगे, इसके ऊपर एक और लगा देते हैं क्यूबिक वैल्यू। क्यूब वैल्यू क्या बनेगी, जैसे हमको एग्जांपल में दिखाया गया हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, क्यूब क्या हो जाएगा, D1 मल्टीप्लाइड बाय D1 प्लस D2 मल्टीप्लाइड बाय D2 मल्टीप्लाइड बाय D2 प्लस D3 मल्टीप्लाइड बाय D3 मल्टीप्लाइड बाय D3। जैसा हमें हिंट दिया गया था क्वेश्चन के अंदर हम उसी चीज को अप्लाई कर रहे हैं, इफ क्यूब इक्वल टू आई है तो हमें प्रिंट क्या करना है, प्रिंट टाइप के अंदर परसेंट डी इज आम स्ट्रॉन्ग नंबर और ये क्या है आई, इसको हमने एप टू से सेव कर दिया और इसको हमने रन करा दिया, आउट टाइप में इसे कंपाइल कर लिया, ठीक है कंट्रोल एप नहीं, 1 इज आर्मस्ट्रांग नंबर, 153 इज आर्मस्ट्रांग नंबर, 370 इज आर्मस्ट्रांग नंबर, ये इसको और थोड़ा बेटर कर देते हैं हम, ठीक है अब इसको रन कराते हैं, देखिए 1 153 370 371 407 ये सबके सब आर्मस्ट्रांग नंबर हैं और बाकी के नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया आइडेंटिफाई करने के लिए, ये हमने क्यों करा है, कोई भी वैल्यू जैसे इसके ऊपर जैसे मान लीजिए इनपुट के अंदर हमारे पास में यह नंबर होगा 453, तो D1 के अंदर वैल्यू क्या आएगी, D1 की वैल्यू चली जाएगी यहाँ पे 3, ठीक है। अब यहां पर नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 45, तो यहां पर D2 आ जाएगा, D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, अब यहां पर नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो यहां पर D3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो इस तरह से पूरा प्रोग्राम हमारा काम करता है कि मॉड्यूलस ऑपरेटर का क्या यूज है। तो इसके अंदर हमने इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या यूज करा, लूप का यूज करा, व्हाइल लूप का,
इफ एल्स का यूज करा। इफ एल्स क्या होते हैं? डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। यहां पर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करा, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करा, इस तरीके से हमारा प्रोग्राम होता है। तो मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ कि पिछले सारे के सारे प्रोग्राम जब आप करते हुए आएंगे, अपने हाथों से इम्प्लीमेंट करते हुए आएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको समझ में आने लगेगा कैसे क्या प्रोग्रामिंग हो रही है। और यकीन मानिए, अगर आपने सी के प्रोग्राम को अच्छे से कर लिया, तो आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को बहुत ईजी तरीके से सीख सकते हो। अगर आपने सी को सीखने के अंदर बिल्कुल लेजीनेस दिखा दी ना, तो आपको आगे बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अभी नॉर्मल है, धीरे धीरे हम, आपको लग रहा होगा धीरे धीरे हम एक्चुअल प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट से बुक के फिफ्थ चैप्टर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन बी डॉट एफ। इसके अंदर हमसे क्या बोला गया, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, राइट ए प्रोग्राम फॉर ए मैच स्टिक गेम बीइंग प्लेड बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूजर। एक मैच स्टिक गेम के लिए प्रोग्राम बनाना जो खेला जाएगा कंप्यूटर एंड यूजर के बीच में। और योर प्रोग्राम शुड एंश्योर दैट द कंप्यूटर ऑलवेज विन। आपका प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि कंप्यूटर हमेशा जीते। रूल्स फॉर द गेम आर एज फॉलो। उस गेम के रूल्स क्या हैं? देर आर 21 मैच स्टिक्स हैं, 21 मैच स्टिक आपके पास में। कंप्यूटर आस्क द प्लेयर टू पिक 1, 2, 3 और 4 मैच स्टिक। जो यूजर है वो पिक कर सकते हैं या तो 1 या 2 या 3 या 4 मैच स्टिक। और जब पहले पर्सन पिक कर लेगा, उसके बाद में कंप्यूटर पिक करेगा, और जो सबसे लास्ट में पिक करेगा वो गेम हार जाएगा। और कंडीशन क्या है कि हमेशा गेम कंप्यूटर ही जीतना चाहिए। तो देखिए हमारे पास में टोटल मैच स्टिक कितनी है, यूजर कैन पिक कर सकता है 1, 2, 3 एंड 4। तो हमें ऐसी कंडीशन बनानी होगी कि कंप्यूटर पिक करे जब भी, तो उसके बाद में कुछ ना कुछ मैच स्टिक बचेगी यूजर के लिए पिक करने के लिए। तो उसके लिए क्या होगा कि मतलब 4 के अंदर कुछ भी पिक करे वो, तो कुछ ना कुछ बचे, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 पिक करी है, तो उसको 5 में से जैसे माइनस करते हैं हम 4, तो हमें मतलब मिनिमम अमाउंट छोड़ना है यूजर के पिक करने के लिए। जैसे मान लीजिए उसमें नंबर 6 मैच स्टिक थी, 6 अगर स्टिक हमारे पास में हो, अगर यूजर ने फर्स्ट टाइम हमारे पास में पिक कर लिए 4, अब अगर कंप्यूटर ने पिक कर ली 2 तो हार जाएगा। कंप्यूटर कितना पिक करना पड़ेगा, 1। अगर कंप्यूटर 1 पिक कर लेगा तो रिमेनिंग क्या बचेगी, 1, तो वो यूजर पिक करेगा, कंप्यूटर काम खत्म हो जाएगा, कंप्यूटर के लिए बचेगा नहीं। तो इस तरह से हमें कुछ ना कुछ रिमेनिंग के अंदर रखना पड़ेगा ताकि यूजर के पिक करने का ऑप्शन हो। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो जितना यूजर पिक कर सकता है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैक्सिमम कितना पिक कर सकता है, 4। तो अगर हम इस 4 को उस अमाउंट में से माइनस कर दें कि जिसके बाद में कि मतलब यूजर कम से कम पिक कर ले, अब 4+1 कर देते हैं हम कंप्यूटर को पिक करने के लिए, क्या बोलते हैं कंप्यूटर पिक कितना होगा, 5 माइनस यूजर पिक। यूजर पिक मतलब कि 5 माइनस 4। अब मान लीजिए यूजर ने पिक करा 3, यूजर ने अगर पिक कर लिया 3, तो कंप्यूटर को पिक करने के बाद में इतना अमाउंट बचना चाहिए मैच स्टिक का कि यूजर का टर्न आए। तो 5 माइनस, अगर यहाँ पे भी हम 5 माइनस 4 करेंगे, हर बार अगर कंप्यूटर 1 ही पिक करेगा तो गेम हमारा बहुत चलता जाएगा, और गेम हमारा उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए करते हुए जाएंगे लास्ट के अंदर हमारे पास में बच गए 5 मैच स्टिक बची हुई है, और 5 में से कब यूजर ने तो चूज कर लिया कि मुझे तो 4 पिक करनी है, अब आप लास्ट में कौन सी बची हुई है, कंप्यूटर पिक करेगा। तो हमें इस तरीके से यूजर को मजबूर करना है कि वो अपना पिक करे, और कुछ ना कुछ उसे पिक करने के बाद बचेगा। तो यही अमाउंट है कि यूजर जितना पिक कर सकता है उसके अंदर +1 ऐड कर दो, तो वो जितना अमाउंट आ रहा है उसमें से माइनस कर दो यूजर ने जितने पिक करे हैं, तो वो 1, 2, 3, 4 जितना भी करता जाएगा उसको माइनस होता हुआ चला जाएगा, लास्ट के अंदर यूजर ही हमारा हारेगा। जैसे मान लीजिए टोटल मैच स्टिक थी हमारे पास में 21, तो फर्स्ट टाइम पे यूजर पिक करता है मान लीजिए कि 2 पिक करेगा वो, तो रिमेनिंग कितने बच गए कंप्यूटर के लिए, 4 कंप्यूटर 19 बच गई है। तो अब यहां पे नाउ कंप्यूटर पिक करना कितना करेगा, हमने बोला 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, मतलब कंप्यूटर 3 पिक करेगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 19 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 16 फॉर यूजर। अब यूजर ने पिक कर लिया, मान लीजिए यूजर पिक कर देता है यहाँ पे 4, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 16 माइनस 4 ये कितना हो गया, 12 फॉर कंप्यूटर को, कंप्यूटर पिक के लिए। तो नाउ कंप्यूटर कितना पिक करेगा,
माइनस 4 इक्वल टू 1, तो कंप्यूटर कितना पिक करेगा 1, तो मतलब 12 माइनस 1 इक्वल टू 11 और यूजर के लिए हो गया। अब यूजर के लिए पिक करने के लिए 11 है, 11 में यूजर पिक कितना कर सकता है, कितना भी कर सकता है, मान लीजिए इसने यहाँ पे कर दिया 3, तो 3 पिक कर लिया है, तो अब यूजर के लिए कंप्यूटर के लिए कितना बच जाएगा 11 माइनस 3, मतलब कि 8 रिमेनिंग हो गई हमारे पास में कंप्यूटर के लिए पिक करने के लिए अगले स्टेप के अंदर। अब 8 हो गई है तो कंप्यूटर क्या पिक करेगा, हमने बोला था कंप्यूटर पिक कितना करता है 5 माइनस यूजर पिक, यूजर पिक कितना है इसके अंदर 3, तो मतलब कंप्यूटर पिक करा हमारे पास 2, तो ये हो गया 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। तो अब ये यूजर के पिक करने हो गया 4 यूजर पिक, यूजर पिक के लिए 6 हो गए, 6 बचे हुए, 6 में से यूजर ने पिक मान लीजिए कि 4 कर लेता है, वो 4 पिक कर लेता है, तो कंप्यूटर के लिए कितने बच जाएंगे 6 माइनस 4 बराबर 2 और कंप्यूटर पिक। अब कंप्यूटर ने पिक कर लिया है तो 6 में से 4 चला गया है, तो अब कंप्यूटर पिक करेगा, तो नाउ कंप्यूटर पिक कितना करेगा, फाइव माइनस 4 मतलब कि 1 पिक करेगा, तो यहां पे क्या करा हमने 2 माइनस 1, अब यह करने के बाद में 4 यूजर के लिए कितना बच गया 1। तो मतलब किसी भी तरीके से करेंगे तो लास्ट के अंदर यूजर के लिए पिक करने के लिए कुछ ना कुछ बचेगा, तो हमें इस तरीके से कंडीशन इसको रखनी पड़ेगी। तो अभी हम प्रोग्राम के अंदर इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इंक्लूड stdio.h इंक्लूड ponio.h void main। देखिए अभी जैसे हमने पीछे एग्जांपल करा तो उसके अंदर हमने यूज क्या करा है, तो ये तो यूजर का पिक था, एक कंप्यूटर का पिक था, टोटल मैच स्टिक थी, मैच स्टिक को हम काउंट कर रहे थे, तो एक तो ये हो गया इंट स्टिक कितनी है, यूजर ने क्या पिक करा है और कंप्यूटर ने क्या पिक करा है। अब हमारे पास जो स्टिक है वो तो है 21, ये हमारा फिक्स हो गया कि लूप कितनी बार चलेगा। क्लियर स्क्रीन यूज करते हैं कंप्यूटर की जो भी स्क्रीन है उसको क्लियर करने के लिए। अब देखिए ये प्रोग्राम चलेगा कब तक, जब तक वाई लूप के अंदर हम इसको एक्सेस करेंगे, क्योंकि एक ही प्रोग्राम को टास्क को हमको बार बार रिपीट करना है, यूजर से इनपुट लेना है, कंप्यूटर क्या पिक करना है वो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टिक कितनी है उसको चलाना है, तो स्टिक की वैल्यू जब तक 0 से ऊपर है तब तक ये लूप चलता रहेगा। इसके अंदर कई सारी कंडीशन हो सकती है जिसको हम यूज करेंगे। देखिए यूजर की हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, ये इज ग्रेटर देन 0 क्यों रखा है, क्योंकि जैसे 0 आ गया तो मतलब पिक करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो मतलब कोई ना कोई तो हार चुका है, कोई ना कोई जीत चुका है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास पहली कंडीशन है कि यूजर 1 से लेके 4 तक ही पिक कर सकता है, मतलब इफ यूजर अगर 1 से कम पिक करता है तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड पिक, और प्रोग्राम वापस लूप में चला जाएगा, भाई कुछ ना कुछ पिक करो। अगर यूजर ने 4 से ज्यादा पिक कर लिया है तो भी प्रिंटर इनवैलिड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 से ज्यादा भी वो नहीं कर सकता। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तब जाकर के ये कंडीशन ठीक होगी और जो भी प्रोग्राम करना होगा वो इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा हमारा। अब यूजर ने क्या पिक करा है ये हमें कैसे पता लगेगा, तो सबसे पहले यूजर से हम पिक ले लेते हैं, प्रिंटर एंटर एनी नंबर अमोंग 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी नंबर की आप एंट्री करो, ये हम एंट्री ले लेते हैं स्कैनर के अंदर, परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है कि क्या वैल्यू हम इनपुट में ले रहे हैं उसका टाइप डिफाइन करता है। ये यूजर ने क्या करना था कि हमने इनपुट के अंदर ले लिया है, ठीक है, इसको हम न्यू लाइन कैरेक्टर में दे देते हैं ताकि बिल्कुल सब कुछ क्लियर क्लियर चलता रहेगा। अब यूजर ने क्या करा क्या नहीं करा यहाँ पे हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब यूजर ने जितने भी पिक कर लिया है वो मैच स्टिक उसमें से कम हो जाएंगी, तो स्टिक जितनी भी थी यूजर ने जो पिक कर ली है तो कंप्यूटर का पिक करने के लिए जो बचेगी वो हमको इसमें से माइनस करनी पड़ जाएंगी, ये हमने इसको माइनस कर लिया है। तो देखिए प्रोग्राम हम पूरा क्लियर क्लियर करते हैं ताकि हमको क्लियर रहे, स्टिक
अवेलेबल फॉर कंप्यूटर पिक। कंप्यूटर के पिक करने के लिए कितनी बची हुई है, जितनी हमारे पास मिस्टेक अवेलेबल है। ठीक है, ये देखिए भाई लूप चल रहा है। इसके बाद में एक और गेट लगा देते हैं, स्क्रीन को होल्ड करेंगे हम, एक एक प्रोग्राम को चेक करते हुए चलेंगे और क्लियर स्क्रीन कर देंगे बाद में, ताकि वापस से ना आ जाए कि अवेलेबल कितनी है। स्टिक अवेलेबल फॉर कंप्यूटर पिक कितनी है, कितनी। ठीक है, अब कंप्यूटर ने जो पिक कर ली है वो कितनी है, कंप्यूटर पिक। कंप्यूटर ने क्या पिक करी है कि जो 5 है उसमें से यूजर की जो वैल्यू थी उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो ये हम लिख देते प्रिंट एफ कंप्यूटर पिक। कंप्यूटर ने क्या पिक करा है वो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, डिस्प्ले में दे देंगे। ये कंप्यूटर आ गया। अब कंप्यूटर के पिक करने के बाद में स्टिक कितनी बची हुई है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, स्टिक इक्वल टू स्टिक माइनस कंप्यूटर। ठीक है, अब इसको हम रन करा करके चेक कर लेते हैं कि अब इसके बाद में कितनी हमारी बची हुई है वो हम यहाँ पे वापस से प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट एफ इसको हम सबसे ऊपर ही ऊपर करवा देते हैं। अवेलेबल स्टिक ये हो गया स्टिक। देखिए इसके अंदर हम, इस प्रोग्राम के अंदर हम लूप के ऊपर भी काम कर रहे हैं, इफ एल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर भी काम करेंगे। अभी देखिए, अभी तो हम इसको केवल रन करा देते हैं, हारेगा कौन जीतेगा कौन ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। इसी प्रोग्राम को हम रन करा करके चेक कर लेते हैं एक बार। तो अवेलेबल कितनी है, 21। यूजर्स इनपुट मांग रहे 1, 2, 3, 4 में से, तो मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे 3, तो बच गई स्टिक अवेलेबल को। कंप्यूटर पिक कितनी बची है, 18, और कंप्यूटर ने पिक क्या करा है, 2। क्यों, क्योंकि 5 - 3 = 2, मतलब कंप्यूटर पिक करा है 2। अब देखिए अवेलेबल स्टिक कितनी हो गई, 16। अब 1, 2, 3, 4 में से हमको पिक करना है, अब हमने पिक कर लिया 4, तो कंप्यूटर ने पिक करा 1, कितना, क्योंकि 5 - 4 = 1। अब पिक करने के लिए कितनी बची, 11। 11 में से हमने पिक कर ली 3, तो ये हो गया 2। देखिए स्टिक अवेलेबल फॉर कंप्यूटर पिक 2 थी, कंप्यूटर पिक कर ली 1। अब इसको हम आगे चलेंगे, अवेलेबल स्टिक कितनी है, 1 है, और एंटर एनी नंबर 1, 2, 3, 4 में से कोई भी नंबर, हमने जैसे 4 डाल दिया, तो स्टिक अवेलेबल फॉर कंप्यूटर पिक 3 नहीं है, -3 आया, तो मतलब हमें कंडीशन चेक करनी है कि नेगेटिव के अंदर वैल्यू नहीं जानी चाहिए। तो क्योंकि कंप्यूटर तो पिक 5 - 1 करके करेगा, 5 - 4 करके तो 1 पिक करेगा, तो कंडीशन है, लेकिन हमारे पास स्टिक अवेलेबल ही नहीं बची, तो हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन में चले जाते हैं, ये तो हम चले गए हैं यहाँ पे कि 5 - यूजर, तो इसने कर दिया इफ कंप्यूटर इज ग्रेटर देन 0। कंप्यूटर को पिक करने के लिए जो बची हुई है आइटम, वो कंप्यूटर तो पिक कर रहा है यहाँ पे, कि जो स्टिक बची हुई है स्टिक कंप्यूटर के लिए, तो ये है कि नहीं है, इफ स्टिक इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास में ये काम करेगा कि कंप्यूटर ने कुछ पिक करा है। इसको हम यहां से कट कर देते हैं, ये हम यहां कट कर दिया, उसको यहां पे हम स्विफ्ट इंसर्ट कर देंगे, कंप्यूटर कंप्यूटर माइनस ये नहीं, यूजर ने जब करवा दिया तो स्टिक हमारे पास में कितनी बच गई है वो हमने यहां पे चेक कर लिया, तो कंप्यूटर यूजर हमारे पास में नेगेटिव में आ रही थी, यहां पे स्टिक अवेलेबल
कि स्टिक की वैल्यू 0 से ऊपर है कि नहीं है, तो हमें ये कंडीशन ऊपर ही चेक करनी पड़ेगी। ये हमने यहां से कट करा, ये हमने यहां पेस्ट कर दिया। कंप्यूटर के लिए कितनी स्टिक अवेलेबल बता रहा है, और इसको यहां से हमने कट करा, ये हमने यहां इसको पेस्ट कर दिया है। कि कंप्यूटर ने जब पिक करी है उसके बाद में कुछ अवेलेबल हुआ है कि नहीं है। अगर 0 से ऊपर है तब तो हम यह मानेंगे कि भाई कंप्यूटर ने कुछ पिक करा है, अदरवाइज हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि अवेलेबिलिटी में से तो पिक करेगा, अदरवाइज पिक किस में से करेगा वो। ठीक है, अब ये करने के बाद देखिए हमने सारा कुछ चेक कर लिया है। अब लास्ट के अंदर जब हमारे पास में इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा तो उस टाइम पे अगर किस यूजर की वैल्यू, देखिए यहाँ कंप्यूटर आ गया है, कंप्यूटर की वैल्यू क्या थी और यहाँ यूजर की वैल्यू आ गई है, और हमने यहाँ चेक करा कि स्टिक की वैल्यू अगर 0 से ऊपर है तब तक काम करता रहेगा, तो लास्ट में जिसने भी पिक करी होगी उसकी वैल्यू 0 से ऊपर होगी। 0 से ऊपर होगी तो हम यहाँ चेक कर लेंगे इफ यूजर इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट एफ, यूजर विन। अगर कंप्यूटर की वैल्यू 0 से बड़ी रह गई तो प्रिंट एफ कंप्यूटर विन, ये हो गया। इसके अंदर जैसे हम काम करते हैं इनिशियली, तो सबसे पहले यहां पे यूजर की वैल्यू हम कर देंगे 0, क्यों, क्योंकि लूप से बाहर निकलने के बाद हम वापस से चेक करेंगे कि वैल्यूज क्या है, तो हर बार लूप जब भी स्टार्ट हो रहा है लूप का एग्जीक्यूशन होगा तो हम हमेशा इनकी वैल्यूज को 0 0 कर देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इसको हम रन करा लेते हैं। इसकी मान लीजिए हमने 3 लिया, इसने स्टार्टिंग में कंप्यूटर विन, ये बाहर कैसे चला गया। ओके, हमने स्टेटमेंट गलत एंट्री कर दी है। देखिए हमें उस लूप से बाहर प्रिंट करना था GETCH, ये हमने इसके अंदर ही कर दिया है, इसलिए हमारे लूप के बार बार आता जा रहा है, तो इस सब कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक कट आके ये यहाँ पेस्ट हो गया है। अवेलेबल टॉपिक इनवैलिड पैक आ गया है, एंटर एनी वैल्यू F2। अब इसको देखिए हम रन कराते हैं, तो सबसे पहले हमने पिक कर लिया 3 यूजर ने, तो स्टिक अवेलेबल फॉर पिक 18 है, कंप्यूटर ने पिक करा 2 क्योंकि 5 - 3 = 2 हो गया। अब 16 अवेलेबल है, अब हमने इसको बोला कि 4 इसने पिक कर लिया, अब बच के हमारे पास में 11, कंप्यूटर ने पिक करा 1 क्योंकि 5 - 4 = 1, ये कंप्यूटर ने 1 पिक करा है। अब हमने बोला कि 2 पिक कर लिया इसने, तो कंप्यूटर ने पिक करा 3 क्योंकि 5 - 2 = 3, आगे बच के हमारे पास 6, 6 में से मान लीजिए 3 पिक कर रहे हैं, तो स्टिक अवेलेबल 3, कंप्यूटर ने पिक कर लिया कितना 2, कंप्यूटर ने जब 2 पिक कर लिया है तो अब स्टिक अवेलेबल कितने रह गए 3 - 2 मतलब कि 1 1, तो 1 ही पिक करेगा। स्टिक अवेलेबल फॉर कंप्यूटर पिक 0, इससे बाहर निकल गया यूजर विन कंप्यूटर विन, ये वापस से कुछ इसने गड़बड़ कर रखी है, इसको वापस से चेक कर लेते हैं। यूजर की वैल्यू ग्रेटर देन है तो यूजर हो जाएगा, कंप्यूटर की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है तो ये चला जाएगा। ओके, ये इसलिए नहीं गया, क्यों, क्योंकि यहां पर तो इसने चेक नहीं करने दिया लास्ट में कि उसने जब 1 प्रिंट कर लिया है तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये नहीं होता else, यहां कंप्यूटर कर देता है
भैया जीरो, कंप्यूटर के तो पिक करने के लिए कुछ बचा हुआ ही नहीं था। वापस से रन करा के चेक कर लेते हैं। 3 3 4 4 अवेलेबल 1 है, तो हमने तो 4 कर दिया। स्टिक अवेलेबल फॉर कंप्यूटर पिक 3 यूजर बिंग। अब हमें यहाँ पे एक चीज और चेक करनी है कि जब हमारे पास में अवेलेबिलिटी ही नहीं है 1 की, तो ये और चेक कर लेंगे यहाँ पे else if, पूरा प्रोग्राम हमारा प्रॉपर हो जाए। else if यूजर इज ग्रेटर देन स्टिक, तो हम क्या बोलेंगे, इनवैलिड पिक। इस प्रोग्राम को हम बहुत इससे भी बेटर तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अब हमें लॉजिक बिल्डिंग कैसे करनी है अगर सीखना है, तो हमें सारा हिट एंड ट्रायल करके ही चेक करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट मैं वो प्रोग्राम अगर आपको लिख के दे दूंगा जो कि बिल्कुल करेक्ट है, तब कैसे पता लगेगा कि एरर्स कैसे आती हैं, लॉजिक्स कैसे बनते हैं। अगर हम सीधा सीधा बता देंगे, अभी तो मैंने इसके अंदर केवल एक सिंपल सी बताई कि 5 माइनस करना है, उसके अंदर भी आप सोचेंगे 5 माइनस कहाँ से आ गया। तो इस तरह से हमें ट्राई कर करके ही चेक करना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं और लॉजिक भी कैसे होगा, आउटपुट कैसे आते हैं। देखिए अवेलेबल स्टिक 1 है, हमने लिख दिया 4, तो इनसे बोल दिया इनवैलिड पैक, इनवैलिड पिक, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1, तो लास्ट के अंदर कंप्यूटर के लिए पिक करने के लिए बच गया 0 और यूजर हमेशा जीत गया। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस प्रोग्राम को हम इतना बड़ा करके लिख सकते हैं, इतने इफ एल्स लगा करके कर सकते हैं, हम इसको बहुत सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि एक बार जब सीख लेंगे इसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि जितने प्रोग्राम हमने गोलमोल करके बनाए हैं उनको लास्ट में बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे, ताकि आपको पता लगेगा कि लॉजिक कैसे स्मूथली बन जाते हैं। ये हमने तरीका आपको बताया है कि लॉजिक्स बनते कैसे हैं, सब कुछ हिट एंड ट्रायल से ही आप समझते हो जाएंगे। जब भी कुछ करेंगे, जब बच्चा पहली बार कैलकुलेशन करता है एडिशन, तो उसको सब कुछ नहीं आ जाता, उसको जैसे जैसे बताया जाता है ना स्टेप बाय स्टेप, जैसे करो ये करो ये करो, वैसे ही हमने इस प्रोग्राम के अंदर करने की ट्राई करी है, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो सके। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट से बुक के 4th चैप्टर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.G। इसके अंदर हमें बोला गया अटेम्प्ट द फॉलोइंग, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर नंबर्स टिल द यूजर वांट्स, एट द एंड इट शुड डिस्प्ले द काउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो एंटर। मतलब कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर की यूजर जब तक चाहे इनपुट एंटर कर सकता है, इंटीजर वैल्यूज नंबर वैल्यूज, जिसके अंदर में काउंट करना होगा कितने तो उसने पॉजिटिव नंबर एंटर करें, कितने नेगेटिव नंबर एंटर करें, कितने जीरो एंटर करें। तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए देखिए सीधे सीधे देखते हैं हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी जितने भी उसने नंबर्स की एंट्री करी है, और 3 हमें बताने हैं पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए 3 तो हमारे पास में वेरिएबल ये हो गए जो काउंटिंग करेंगे पॉजिटिव नंबर्स को, एक नेगेटिव नंबर को और एक जीरो नंबर्स को। उसके अलावा एक हमको वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, जो कि इनपुट स्कैन करेगा, जो स्कैनर के अंदर यूज करेंगे, यूजर ने जो भी कीवर्ड के थ्रू इनपुट करा होगा उसको स्टोर करने का होगा। तो एक वेरिएबल हो गया हमारा नाम, ठीक है। अब हमें एक की स्ट्रोक ये चेक, अभी हमने बोला है कि जब तक यूजर चाहे जब तक वो एंट्री कर सकता है, तो कब तक वो चाहेगा ये हमें कैसे पता होगा, हर बार जैसे वो नंबर एंटर करेगा उससे हम पूछ लें कि आप ओड नंबर एंटर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो उसके लिए यस नो पूछने के लिए एक और कोई ना कोई वेरिएबल होगा जो उसे बताएगा कि भाई मुझे लूप के अंदर आगे चलना है कि नहीं चलना है, और इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे वाइल लूप का यूज करके, ठीक है। तो चलिए हम प्रोग्राम के अंदर चलते हैं। F2 सबसे पहले फाइल सेव कर देते हैं हमारी, तो उसके अंदर क्या था हमें नंबर काउंट था, इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट के लिए जो हेडर फाइल यूज में होती है वो होती है stdio.h। conio.h का यूज हम इस प्रोग्राम में केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइंड है getGETCH, जिसका कि हमने हमारे हर प्रोग्राम में यूज करा है। इस फंक्शन का यूज क्या है, यह होल्ड करके रखता है स्क्रीन को जब तक कि कोई नया की प्रेस नहीं हो जाता, और एक फंक्शन है CLRSCR, यह क्लियर स्क्रीन पर यूजर ने आप इनपुट करा, कितनी बार भी हम टेस्टिंग करेंगे तो सारा का सारा आउटपुट जो था वो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ रहता है, डिस्प्ले में आता है। तो हमें आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती कि हमारा लेटेस्ट क्या था, तो इससे पहले कि हम कुछ और की एंटर करें उससे पहले हमारी पूरी स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं।
वेरिएबल क्या कहते हैं, हमारे पास एक तो नम था, एक पॉजिटिव का पी हो गया, नेगेटिव का एन हो गया और जीरो का जेड हो गया, और एक हमने बोला था यस एंड नो को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यस एंड नो को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या है, कैरेक्टर ले लिया है चॉइस का। यस एंड नो के अंदर हमने लिखा था वाई या एन, ये इनपुट में क्या लेगा, या तो वाई लेगा या एन लेगा, ये कैपिटल वाई भी हो सकता है, कैपिटल एन भी हो सकता है। यस एंड नो ये क्या है, लिटरल है, कौन से कॉन्स्टेंट है, ये कैरेक्टर टाइप कॉन्स्टेंट है, कैरेक्टर टाइप लिटरल है, इसलिए हमने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल यहाँ पे चूज करा है। अब देखिए प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले तो हम इसको लिख देते हैं जो बाय डिफॉल्ट इसकी चॉइस के अंदर वाई है, सबसे पहले तो ये है। अब हम प्रोग्राम के अंदर क्या करें, जब तक चॉइस हमारी वाई रहेगी तब तक वो हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, जैसे ही वाई नहीं रहेगी प्रोग्राम हमारा डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो ये हमने क्या लिखा है, चॉइस इक्वल टू वाई। अब ये तो देखिए फर्स्ट टाइम तो हमने फिक्स कर दिया कि स्मॉल वाई है, लेकिन यूजर तो कैपिटल वाई भी एंटर कर सकता है, स्मॉल वाई भी एंटर कर सकता है। तो या तो चॉइस की वैल्यू स्मॉल वाई हो या चॉइस की वैल्यू कैपिटल वाई हो, तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे ही हो गया है तो कुछ ना कुछ इनपुट हमें लेना पड़ेगा, तो हमने एंटर करा यहाँ पे प्रिंट एफ, एंटर एनी नंबर, ये कोई नंबर इसने हमसे एंटर करवा, हमने इनसे एंटर करवा लिया, इंटीजर टाइप का है, और ये हमारा नहीं, ये तो हम प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं, प्रिंट एफ में से लिखना नहीं होता, हमें लिखना होता है स्कैन एफ के अंदर। यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर डाल देते हैं क्योंकि लूप बार बार चलेगा, तो हर बार हमें नई लाइन के अंदर एंट्री करवानी है। इसके बाद हमने कर दिया स्कैनअप, स्कैनअप यूज होता है कीबोर्ड से जो भी इनपुट लेना है वो उसके थ्रू होता है, ये होता है परसेंट डी को दिया, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो हमें ये बताएगा कि आपको इंटीजर टाइप का वैल्यू एंटर करना है। एम परसेंट नम, एम परसेंट शो करता है वेरिएबल नम की मेमोरी की लोकेशन, जिससे हमें पता लगेगा कि नम कहाँ पे स्टोर्ड है, कहां से उसकी वैल्यू को फेच करना है। अब ये हमने इनपुट कर लिया, अब हमें चेक करना है कि लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है या जीरो है, वही तो हमारा काम था इस प्रोग्राम के अंदर। इफ नम इज लेस देन जीरो, अगर जीरो से कम है तो क्या होगा, एन की वैल्यू बढ़ जाएगी, वह नेगेटिव नंबर हो जाएगा। अगर नम की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब कि पॉजिटिव नंबर बढ़ जाएगा, एल्स अगर पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है तो मतलब कि जीरो है, तो क्या बढ़ जाएगा, जीरो प्लस प्लस। अब देखिए हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट तो कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव को इंक्रीज कर दिया, यहाँ पॉजिटिव को इंक्रीज कर दिया है, और यहाँ हमने जेड को इंक्रीज कर दिया है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो हमने कुछ डाली नहीं है, यहाँ पे इनकी गार्बेज वैल्यू स्टोर्ड है। हमारा रिजल्ट जब तक सही नहीं आएगा जब तक हम इनको इनिशियलाइज नहीं करेंगे, तो सबको इनिशियलाइज कर देते हैं जीरो से, इसको हमने ओल्ड एफ नाइन से कर दिया, अभी तक जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम आने के बाद में हम कंप्यूटर से वापस से पूछ लेंगे यूजर से, अब आप क्या चाहते हो, प्रिंट एफ, इसमें लिखेंगे डू यू विश टू कंटिन्यू, कंटिन्यू करना है कि नहीं, आपको केवल वाई या एन प्रेस करना है, अब जो भी प्रेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका काम चलेगा। गैच यहाँ पे स्क्रीन को हमने होल्ड पे रखा हुआ है, जैसे जब तक ये वाई करता रहेगा तब तक हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, जैसे ही वाई के अलावा कोई भी कीबोर्ड की प्रेस करेगा तो उसके अंदर हमने क्या लिख देंगे, क्या क्या आया है प्रिंट एफ के अंदर, टोटल पॉजिटिव नंबर क्या है, यहाँ पे हमने पी का डिस्प्ले दे दिया, प्रिंट एफ लेस एन टोटल नेगेटिव नंबर, ये एन आ गया, प्रिंट एफ स्लैस एन टोटल जीरो नंबर, परसेंट यहां पे आ गया जेड, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट एफ के अंदर इसे पूछा है कि आप यस विश करते हैं, यस या नो,
अगर कंटिन्यू तो कर दिया हमने, लेकिन हमने चॉइस तो पूछी ही नहीं है, तो चॉइस तो हमें पूछनी पड़ेगी ना। चॉइस हमने केवल डिस्प्ले तो दे दिया, लेकिन इनपुट के लिए तो कुछ करा ही नहीं। तो इनपुट करने के लिए क्या करना है उसको, फॉर्मेट स्पेसिफाई कैरेक्टर क्या होता है, परसेंट सी, और यहाँ पे हम परसेंट हमने ले लिया चॉइस। देखिए यहाँ पे हम परसेंट सी लिखा है, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे स्पेस एड कर रहा हूँ। ये क्यों यूज कर रहे हैं, ये हम अभी एक बार प्रोग्राम को रन कराने के बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ये हमने क्यों करा है। हम वो चेक करते हैं, नहीं है गड़बड़ कुछ भी, कंट्रोल एफ नाइन प्रोग्राम रन करा के चेक करते हैं, कुछ मिस हो गया हमसे, स्कैनएफ अवेलेबल नहीं है। ये देखिए एक छोटा सा मिस्टेक हो गया हमसे, और एफ नाइन एफ टू कंट्रोल एफ नाइन एंटर एनी नंबर, हमने एंट्री करी 10 की। इसने बोला डू यू विश टू कंटिन्यू, हमने 10 ऐड कर दिया है, उसके बाद में पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो, यस या नो, हमने कर दिया वाई। वाई एंटर करने के बाद हमने एंटर करा, वापस से हमने कर दिया यहाँ पे 30। ये हमसे पूछेगा डू यू विश टू कंटिन्यू, वापस से पूछ रहा है, हमने वापस से वाई कर दिया, इस बार हमने कर दिया इसके अंदर -10। ठीक है, इस बार हम इसको बोल देते हमने एंड कर दिया। देखिए हम 3 नंबर एंटर करें, जिसमें 2 तो हमारे पॉजिटिव हैं और एक हमारा नेगेटिव है, और यहाँ पे हमने कर दिया एन। तो देखिए 2 हमारे पॉजिटिव हो गया और एक हमारा नेगेटिव हो गया, और ये टोटल हमारा 0 हो गया। इसके बाद हमने प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। अब ये तो हमने क्यों करा था, सबसे पहले चेक करते हैं कि परसेंट सी के ऊपर देखिए, ये हमने जब इनपुट के अंदर या चॉइस के अंदर एंट्री करी थी, ये स्पेस दे दिया। अब इसको हटा देते हैं, स्पेस को एफ टू करके करते हैं। अब हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल एफ नाइन करते हैं। फर्स्ट टाइम उसने पूछा एंटर एनी नंबर, वही हमने 10 एंट्री करा, देखिए सीधा का सीधा बाहर आ गया। ये यहाँ पे रुका ही नहीं कि ऊपर कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, काम खत्म। ये इसलिए यहाँ पे गड़बड़ होती है कि जब भी हम करेक्टर टाइप की एंट्री लेते हैं, तो ये परसेंट सी से पहले आगे या पीछे आपको कुछ ना कुछ स्पेस या सिक्वेंस टर्मिनेटर लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको स्पेस लगा देते हैं तो भी काम हो जाएगा, स्लैश एन लगा देंगे तो भी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये है चॉइस एक कैरेक्टर टाइप, और अगर यहाँ पे इस कैरेक्टर को हम किसी से ब्रेक नहीं करते हैं, आगे पीछे कुछ स्पेस या कुछ ऐसा ऐड नहीं करते हैं जिससे आइडेंटिफाई होगी, ये सिंगल कैरेक्टर को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो कंपाइलर क्या करता है उसको पर्टिकुलर पूरे सिक्वेंस के अंदर मान लेता है। तो बफर के अंदर जो भी एंट्रीज रहती है उन एंट्रीज के ऊपर काम करेगा, और हमारा जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग चलेगा नहीं। जैसे ही आप यहाँ पे इसकी कुछ एंट्री करोगे, यहाँ पे जाकर ये चेक, मान लीजिए कुछ भी आपने की प्रेस करा, ये यहाँ आएगा लूप के अंदर कि भाई वाई है या वाई है, नहीं है, दोनों नहीं मिले, क्योंकि आप एंटर तो वाई करोगे, लेकिन अगर उसके आगे पीछे स्पेस नहीं लगाया है या स्लैश एन नहीं लगाया है, तो कुछ भी कैरेक्टर उसके साथ में ऐड होगा जो पहले हमने प्रेस करा है, तो जैसे वाई है तो डबल वाई हो जाएगा। तो एक्चुअल ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी, और कुछ और डिस्प्ले के अंदर चलता रहेगा, मतलब कि गार्बेज वैल्यू हो जाएगी आपके लिए एक तरीके से। तो जब भी हमें कैरेक्टर टाइप की इनपुट लेनी है, तो उससे पहले हमें या तो स्पेस लगाना होगा या स्लैश एन लगाना होगा, ताकि वो कैरेक्टर आइडेंटिफाई हो सके कि ये एक सेपरेट एंटिटी है, ना कि एक सीक्वेंस के अंदर चलता हुआ कोई की स्ट्रोक है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं कि स्लैश एन ये हो गया है, डू यू विश टू कंटिन्यू, टोटल पॉजिटिव नंबर एंड नंबर, हम चाहें तो इसके बाद में क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं, ताकि इससे पहले जो भी चीज थी वो हमारी क्लियर हो जाएगी, और ये ना CLRS या उससे पहले का जो भी लिखा हुआ था वो सारा का सारा कुछ क्लियर हो जाता है। एंट्री करी हमने 10, डू यू विश टू कंटिन्यू, यस, 10 हमें पॉजिटिव नंबर एंटर कर चुके हैं, 40 हमने एंटर करा, ये कर दिया यस। अब हमने करा -50, यस, इस बार कर दिया हमने 0, यस, इस बार कर दिया हमने 0। तो अभी तक हमने एंटर करा 2 पॉजिटिव नंबर, 2 0 नंबर और 1 नेगेटिव नंबर। अब हम प्रोग्राम को चाहते हैं कि एंड की तरफ बढ़ जाए, तो हमने क्या बोला था, 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव और 2 0 नंबर। तो हमारा प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा। अब डिस्प्ले आप जैसा भी चाहते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हर बार इस जो पॉइंट लिखा हुआ आपने ब्लॉक, इस ब्लॉक को पूरे के पूरे अंदर एंट्री करवा सकते हैं। इससे हम जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, ये हमने क्लियर स्क्रीन लगा ही रखा है, इसके बाद में आप यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट करोगे तो क्या अभी तक के जितने भी कैलकुलेशन थी ये सारी सारी बताता रहेगा, जितने भी नंबर्स हमने एंट्री करें कि आपने क्या करा था क्या नहीं। ये 10 कर दिया,
तो ये वाई करा हमने, तो देखिए टोटल अभी तक कितने एंटर करें, एक पॉजिटिव नंबर एंटर करा हुआ है। अब नंबर नया नंबर ऐड करा आपने 40, ये हमने यस कर दिया, दो पॉजिटिव नंबर ऐड कर दिए आपने। इस बार आपने जीरो ऐड कर दिया, ये कंटिन्यू करा तो 01 हो गया। तो आप अपने प्रोग्राम का आउटपुट अपने आप हैंडल कर सकते हैं, कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना है। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है कि कैसे हम इस नंबर का यूज करते हुए काम करते हैं, कि इसके अंदर हम आइडेंटिफाई क्या करें कि कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्कैन करते टाइम पे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटर सी बुक के फिफ्थ चैप्टर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.H। इसके अंदर हमसे बोला गया राइट ए प्रोग्राम टू रिसीव एन इंटीजर एंड फाइंड इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। मतलब एक इंटीजर नंबर हमें इनपुट के अंदर लेना है, उसको ऑक्टल कन्वर्ट करके बताना है कि नंबर सिस्टम के अंदर उस डेसिमल वैल्यू का ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा। इसके लिए हमें नंबर सिस्टम की नॉलेज होना जरूरी है जब भी इसके बात करते हैं तो। लेकिन अभी हमारे पास में हिंट दिया हुआ है टू ऑब्टेन ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ एन इंटीजर डिवाइड इट कंटिन्यूअसली बाय 8 टिल डिविडेंड डजंट बिकम 0 देन राइट द रिमाइंडर ऑब्टेन इन रिवर्स डायरेक्शन। मतलब कि जब तक आप जो नंबर दिया गया उसको 8 से डिवाइड करते जाओ तब तक कि उसकी वैल्यू डिविडेंड 0 नहीं हो जाता और लास्ट में जो भी रिजल्ट आए हैं रिमाइंडर के अंदर उनको रिवर्स डायरेक्शन राइट कर दो, तो वो हमारा क्या बन जाएगा ऑक्टल इक्विवेलेंट बन जाएगा। नंबर सिस्टम को हम अलग से हमारी सीरीज कनेक्ट करेंगे जिसके अंदर की पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज को। नंबर सिस्टम भी एक अच्छा खासा टॉपिक है प्रोग्रामिंग के लिहाज से, उसके ऊपर हम जरूर कंसिडर करेंगे सब कुछ, लेकिन फिलहाल हम इस प्रोग्राम के ऊपर इस क्वेश्चन के ऊपर कंसिडर करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के हमने 122 को इनपुट में लिया है, तो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए इधर लिख देते हैं हम डिविडेंड, ये हो गया डिवाइड बाय, यहां पे आ जाएगा ये उसका रिजल्ट आ जाएगा जो कि न्यू डिविडेंड बन जाएगा। और इधर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, ये हम इसको एक प्रैक्टिस के तौर पे करके देख लेते हैं। ठीक है 122 हमारा ये आ गया डिवाइड बाय 8 होगा, 122 को 8 से डिवाइड करने पे क्या रिजल्ट आएगा 1 चार रिमाइंडर में चला गया 8 40 ये 15 हो गया और रिमाइंडर के अंदर हमारे पास में बच गया यहाँ पे 2। ठीक है अब ये हो गया तो ये नया डिविडेंड बन गया है क्योंकि ये रिजल्ट आया था, ये आ गया हमारे पास में 15, 15 को डिवाइड करा हमने 8 से, 8 से डिवाइड करने पर यहाँ पे तो आएगा ये 1 और रिमाइंडर के अंदर क्या चला जाएगा 7। नया डिविडेंड क्या बन गया 1, डिवाइड करना है 8 से, 1 को 8 से डिवाइड करा तो चूंकि ये इंटीजर नंबर है तो इंटीजर नंबर को डिवाइड करने पे फ्लोटिंग पॉइंट आउटपुट नहीं देगा तो ये देगा यहाँ पे 0 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। ओके तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्रोग्रामेटिकली कैसे करेंगे, और इसका जो 122 का ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या हो गया इसको हम रिवर्स नंबर के अंदर राइट कर देंगे। रिवर्स में क्या करा था 172। अब देखिए अब एक चीज इसको किस तरीके से 172 को हम किस तरीके से राइट करेंगे, अब न्यू नंबर देख लेते हैं किस तरह से जनरेट करते हैं। ये 2 आया तो इसको तो मान लीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्योंकि फर्स्ट बार हमने डिवाइड करा था, ये आ गया हमारा सेकंड है तो इसको कर दिया हमने 7 क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पर चला गया तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो गया। अब ये थर्ड पोजीशन पर चला गया 1 तो ये मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया। अब इस तरीके से जो न्यू नंबर हमने लिख रखा है देखिए इसको हम अगर सम करेंगे तो सम में हमारे पास में वही चीज आएगी जो कि हमारी होनी चाहिए थी 172। ये कंसेप्ट जो हमने यहाँ फॉलो कराया ऑलरेडी हम प्रोग्राम डिस्कस कर चुके हैं एक नंबर का रिवर्स नंबर कैसे काउंट करते हैं, रिवर्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सेम लॉजिक यहाँ पर वैसा का वैसा ही। अगर यहाँ पे आपको जिसको डिटेल में जानना है तो रिवर्स नंबर वाले प्रोग्राम का रेफरेंस नीचे दे देंगे हम उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसको आप पूरा डिटेल में जाके चेक कर लीजिए। ठीक है 172। अब इसके अंदर हमने क्या क्या करा है, वेरिएबल कितने, एक तो नंबर नाम का वेरिएबल है जो कि इनपुट में आएगा, एक रिजल्ट है जिसको हम सेव करेंगे जो कि न्यू डिविडेंड बन जाएगा, तो ये तो हमारा नंबर से ही काम हो जाएगा उसी से रिप्लेस हो जाएगा। अब हमारे पास में रिमाइंडर को सेव करने का ऑप्शन होना चाहिए, रिमाइंडर आ गया और न्यू नंबर
कैसे करना है। तो इस बार हम कम से कम वेरिएबल्स का यूज करेंगे और फिर काम करेंगे। देखिए फाइल को सेव करते हैं ओक्टल डॉट सी इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच इंक्लूड सी ओ एन आई ओ डॉट एच, ये दोनों हेडर फाइल्स हैं। एस टी डी आई डॉट एच का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। कोनियो के अंदर फंक्शंस होते हैं जिसका यूज कर रहे हैं हम गैच। ये काम करता है स्क्रीन को होल्ड करके रखता है जब तक कि हम कोई नया की नहीं प्रेस कर देते कीबोर्ड के थ्रू, तब तक हमको डिस्प्ले दिखाएगा स्क्रीन के ऊपर। सी एल आर एस सी आर आता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। इन दोनों मेथड्स का जो अभी तक का स्ट्रक्चर है हर प्रोग्राम के अंदर लगभग हम डिस्कस करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखना है। नंबर हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो कि इनपुट के अंदर लेंगे, और ऑक्टल का हमने ऑक्टल कर दिया है, ये भी हम लेंगे नंबर। अब हमें चेक करना है कि जो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसको कैसे काउंट करना है, तो कितने प्लेस तक करना है, तो ये हमने कर दिया प्लेस। सबसे पहले हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करा था अभी जो हमने नोटपैड के अंदर डिस्कशन करा था। अब इसको करते हैं इनपुट में लेते हैं प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर स्कैन अप, हमने एंट्री ले ली है नंबर की एम परसेंट नब, ये वेरिएबल की इनपुट आ गया। अब हमें कब तक करना है, जब तक कि वाइल हम नम को ही सेम नंबर बना देंगे उसको नंबर को कन्वर्ट करते हुए चलेंगे। वाइल नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। अब हमारा प्रोसेस क्या है कि नंबर को 8 से डिवाइड करना है तो हमारे पास में नया नंबर आ जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास में रिवर्स काउंटर के उसको काउंट करना था। तो देखिए ऑक्टल तो क्या हो जाएगा हमारे पास में ऑक्टल, यहां पे हम कर देते हैं ऑक्टल को सबसे पहले जीरो। हमें रिमाइंडर लेना है तो रिमाइंडर अगर उसको पहले डिवाइड कर देंगे तो फिर रिमाइंडर का बढ़ जाएगा। रिमाइंडर के लिए हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर का अप्लाई करते हैं, और इसको 8 से हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, ये तो आ गया हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, प्लस से, कि कौन से नंबर की डिजिट है, ये आ गया प्लस। अब ये हो गया फर्स्ट नंबर पे। अब लेकिन जब इस स्टेप से बाहर निकल के लूप हमारा सेकंड टाइम कन्वर्ट होगा तो उसको हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब कि 10 के ऑर्डर में चलना है। तो नया प्लस क्या हो जाएगा, नई डिजिट के लिए प्लस इक्वल टू प्लस मल्टीप्लाइड बाई 10, ये हो जाएगा सेकंड नंबर के लिए। अब जो नंबर है नया डिविडेंड क्या बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 8, ये हमारा नया डिविडेंड हो गया। और ऑक्टल के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है हमारी, ये इसको हम प्लस करते जाएंगे ऑक्टल के अंदर जो भी नंबर है। तो ये देखिए हमारी पूरी की पूरी स्टेप्स हमने फॉलो कर ली है जो हमने यहां पे डिस्कस करी थी। ये जो भी हमने स्टेप्स यहाँ पे डिस्कशन में करी थी वो सारी की सारी हमारी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब इसको हम रन करा के चेक करते हैं, कोई एरर आई है उसको चेक करते हैं क्या है। अनडिफाइंड सिंबल ऑक्टल, स्पेलिंग मिस्टेक कहीं हो गया हमारे से, F2 ऑल्ट F9 ठीक हो गया। अब इसको हम रन कराते हैं 122। ओके, हमने जो ऑक्टल नंबर निकला था वो तो हमने प्रिंट में लिखा ही नहीं है, प्रिंट एप ऑक्टल नंबर इक्वल टू परसेंट डी, और यहां पर आ जाएगा ऑक्टल। ऐप को सेव कर दिया, कंट्रोल ऐप में हमने रन कर दिया, 122 में डाल दिया, ये 172 आ गया। अब इसको चाहे तो हम स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, रिमाइंडर आपको पता लगता है चला जाएगा कि क्या था रिमाइंडर। रिमाइंडर को बिल्कुल क्लियर करना है तो हम यहाँ पे रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं आर, ठीक है।
और आर यहां पे आ जाएगा हमारे पास में नम डिवाइडेड मॉड्यूलस ऑपरेटर में कर दिया अप्लाई ये, और हम इसको यहाँ पे प्रिंट कैप के अंदर डिस्प्ले करवाते जाते हैं ताकि हमें पता रहेगा कि क्या सही आ रहा है कि नहीं। %D खुद के प्रोग्राम को खुद ही टेस्ट कर लेना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। हमारे पास प्रोग्राम के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है, आप अपना जो भी नंबर एंटर करोगे देखिए 271 आउटपुट में आ गया 172। अब इसके साथ में एक बार और कुछ और ट्राई कर लेते हैं, हमने 122 करा था, इस बार कर देते हैं 267। 314 रिवर्स नंबर क्या हो गया 413, तो 267 का ऑक्टल नंबर क्या हो गया 413। तो ये हमारा एक नंबर इंटीजर नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने क्या करा है, मॉड्यूलस ऑपरेटर का अप्लाई करा है, डिवाइड ऑपरेटर का अप्लाई करा है, मतलब कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज करे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर यूज करा है, व्हाइल लूप का यूज करा है, वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, लिटरल को यूज करा है, कॉन्स्टेंट को यूज करा हुआ है। तो साथ मतलब अब जैसे जैसे हम प्रोग्राम से आगे बढ़ते जा रहे हैं हम प्रोग्रामिंग के लगभग हर कंसेप्ट को यूज करते हुए जा रहे हैं, तो हर प्रोग्राम को हमारे को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के फिफ्थ चैप्टर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की एक्सरसाइज क्वेश्चन B.I। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द रेंज ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, कि कीबोर्ड के थ्रू ए सेट ऑफ नंबर्स की एंट्री होगी उनकी रेंज आइडेंटिफाई करनी है। रेंज क्या होगी, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर इन द लिस्ट, मतलब कि जो भी जितने भी कीवर्ड जितने भी नंबर एंटर होंगे उसमें स्मॉलेस्ट निकालना है और बिगेस्ट निकालना, और बिगेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करना है, ये हमारा प्रोग्राम होगा। तो प्रोग्राम के अंदर देखिए वेरिएबल्स कितने हो जाए, पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं, एक तो हो जाएगा नंबर जिसके हम एंट्री करेंगे, उस नंबर में से निकालना होगा क्या स्मॉलेस्ट, और दूसरा नंबर क्या निकालना होगा बिगेस्ट, और इन सबको आइडेंटिफाई करके निकालनी क्या है रेंज, रेंज क्या होगी बिगेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अब इस पूरे प्रोग्राम को हम करेंगे कैसे, नंबर के में एंट्री करेंगे हम यूज करना व्हाइल लूप का। देखिए व्हाइल लूप का यूज करने के लिए सबसे पहले तो हम इनिशियल एक नंबर की एंट्री करेंगे, जो कि सबसे पहले देखिए सी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, कोई भी जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाती है, तो सबसे पहले तो हम उस वेरिएबल को सेट करना पड़ेगा इनिशियल वैल्यू से। तो जब भी जितने नंबर हम इनपुट लेंगे तो सबसे पहला जैसे नंबर इनपुट आएगा उसको हम असाइन कर देंगे स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट के अंदर, स्मॉलेस्ट इक्वल टू नंबर हो जाएगा, बिगेस्ट इक्वल टू नंबर हो जाएगा, कब जब फर्स्ट नंबर की हम एंट्री करेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर थर्ड नंबर जब भी एंट्री करेंगे वहां हम कंपेयर करेंगे नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से, क्या जो नया नंबर आया वो स्मॉलेस्ट नंबर से छोटा है, अगर छोटा है तो उसके अंदर वैल्यू साइन हो जाएगी, और अगर बिगेस्ट है तो बिगेस्ट के अंदर वैल्यू साइन हो जाएगी। अब ये सब करने की जैसे व्हाइल लूप का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, व्हाइल लूप क्या होता है ये स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्या होती है लूप काउंटर की टेस्टिंग होती है, तो लूप काउंटर की काउंटर चलेगा कहां तक, वो तो हमने एंट्री ले ली है, एंट्री ली ही नहीं है नंबर, जो नंबर एंट्री होगा ये लिया, तो काउंट एक हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा जो ये पता है कि टोटल इनपुट कितने लेने हैं हमको, और टोटल इनपुट मतलब मैक्सिमम टाइम ऑफ रूल इतना चलेगा लूप, और इनिशियल वैल्यू क्या होगी जहां पे एक वेरिएबल ले लेते हैं हम आई, आई की वैल्यू देते हैं वन, वन से लेकर टोटल इनपुट नंबर जहां तक जाएगा उतने टाइम लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए चलते हैं हमारे टर्बो सी के अंदर, फाइल सेव कर देते हैं रेंज C.C इंक्लूड stdio.h s include conio.h, ये दोनों हेडर फाइल हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड conio.h। conio के अंदर एक फंक्शन होता है getcs फंक्शन, जिसको कि हम हमारे हर प्रोग्राम के अंदर हर एक्सरसाइज के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसका पर्पस होता है आउटपुट स्क्रीन को या डिस्प्ले स्क्रीन को होल्ड करके रखना जब तक कि कीबोर्ड से कोई नया कीस्ट्रोक प्रेस ना हो। void main जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, GTCH ये हमने लास्ट में लिख दिया है। अगर हमारे स्क्रीन के ऊपर कुछ ऑलरेडी प्रिंटेड होगा तो उसको क्लियर करने के लिए हम यूज करते हैं CLRSCR क्लियर स्क्रीन। अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इनपुट इंट हो गया, फर्स्ट है वेरिएबल नंबर, सेकंड है टोटल इनपुट,
है काउंटर जो आई है, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं वन से, स्मॉलेस्ट बिगेस्ट एंड रेंज। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, उससे सबसे पहले हम इनपुट में ले लेते हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ इनपुट में चाहिए, कितने नंबर्स को इनपुट करवाना है कीबोर्ड के थ्रू। टोटल नंबर ऑफ इनपुट कितना होगा ये हमें डिस्प्ले में लेकर के इनपुट में ले लेंगे। स्कैन ऐप कीबोर्ड से वैल्यूज को इनपुट के अंदर रोल लेने के लिए, परसेंट ये हो गया फॉर्मेट स्पेसिफायर, और ये हो गया यहाँ पर हमारा टोटल इनपुट। हम परसेंट लगाते हैं, यह बताता है हमें कि हमारे जो पर्टिकुलर वेरिएबल है उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है। अब ये इनपुट के अंदर आ गया। अब हमारा वाइल का एग्जीक्यूशन स्टार्ट, वाइल ब्लॉक स्टार्ट होता है। वाइल के अंदर क्या है, लूप काउंटर, यहाँ पे टेस्टिंग होगी कितनी बार चलाना है, कितनी बार चलाना है टोटल इनपुट टाइम जो हमने ऊपर ले लिया है। अब सबसे पहले हम सेट कर देते हैं लूप का काउंटर। काउंटर क्या था, आई, आई प्लस प्लस क्यों करा, क्योंकि वन से स्टार्ट हो रहा है और हमें वहां तक जाना है जहां पर टोटल इनपुट है। तो जब भी कोई भी लूप स्टार्ट होता है तो उसका पर्पज ये होता है कि वो अपने एंड की तरफ बढ़ता जाए। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि पहला नंबर इनपुट में लेंगे, प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, ये न्यू लाइन के अंदर ले लेंगे हम। यहां पर आ गया हमारा स्कैन एफ जो नंबर की वैल्यू को इनपुट में लेगा, परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया इंटीजर टाइप वैल्यू के लिए, ये आ गया नंबर। अब जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि जब भी इनिशियल वैल्यू आएगी तो उसको हम असाइन कर देंगे स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट के अंदर। तो आई की वैल्यू जब वन है तो हमको क्या करना है, स्मॉलेस्ट मतलब जब हमारे पास इनपुट में केवल एक ही नंबर आया तो वही सबसे छोटा वही सबसे बड़ा है, उनका तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। स्मॉलेस्ट इक्वल टू नंबर, बिगेस्ट इक्वल टू नंबर, ये असाइन हो गया। जब आई की वैल्यू वन के अलावा कुछ भी होगी तब हमें चेक करना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहां पे लिख देते हैं एल्स, इफ जो स्मॉलेस्ट नंबर लिखा हुआ था हमारा उससे अगर नंबर छोटा है, जो नया नंबर हमने इनपुट में लिया है नंबर इज लेस देन स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट के अंदर क्या चला जाएगा, नंबर। अगर नंबर ग्रेटर देन है बिगेस्ट से तो हमारा नंबर चेंज क्या हो जाएगा, बिगेस्ट नंबर के अंदर क्या हो जाएगा, जो नया नंबर आया है। तो हमने निकाल लिया यहाँ पे, यहां तो निकल गया हमारा स्मॉलेस्ट और यहां निकल गया हमारा बिगेस्ट। अब हमें निकालनी है रेंज, रेंज कहाँ निकालनी होगी, रेंज हमें लूप से बाहर जाकर के निकालनी पड़ेगी। ये तो एक ब्लॉक खत्म हो गया यहाँ पे, ये आई प्लस प्लस, ये लूप खत्म हो गया हमारा भाई। यहाँ पे हम निकालते हैं प्रिंट टैप के अंदर, पहले तो डिस्प्ले में देते हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आई है और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आई है। स्मॉलेस्ट नंबर इज क्या आएगा, परसेंट डी जो कि स्मॉलेस्ट के अंदर है, प्रिंटर ये हमें बताएगा कि हमारी जो नंबर एंटर करें उनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, बिगेस्ट नंबर इज परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफाई इंटीजर के लिए, ये आ गया बिगेस्ट। अब हमारे पास बिगेस्ट भी निकल गया और स्मॉलेस्ट भी निकल गया, प्रोग्राम को पहले हम सेव कर देते हैं। अब हमें निकालनी है रेंज, रेंज क्या होती है, बिगेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है। इस रेंज को हम डिस्प्ले में देखते हैं, रेंज इज क्या आया, परसेंट डी, यहां पर हमें लिख दिया है रेंज। प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं, ऑल्ट एफ नाइन कंट्रोल एफ नाइन। टोटल नंबर ऑफ इनपुट कितने कीबोर्ड से नंबर हमें एंटर करवाने, मान लीजिए हमने को सात नंबर एंटर करवाने हैं। पहला नंबर कौन सा है, मान लीजिए हमने 67 डाल दिया,
सेकंड नंबर हमने 87 डाल दिया, थर्ड नंबर हमने 90 डाल दिया, फोर्थ नंबर हमने 1 डाल दिया, फिफ्थ नंबर हमने डाल दिया 23। तो देखिए अब पांचवें सिक्स नंबर के अंदर डाल दिया हमने 50, सेवंथ में डाल दिया हमने 45। जितने भी नंबर हमने एंट्री करे हैं उनमें से सबसे छोटा तो है 1 और सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 90। तो हमारा आउटपुट में क्या आना चाहिए, 89 की रेंज आनी चाहिए। तो देखिए इसमें बताया हमें स्मॉलेस्ट नंबर इज 1, बिगेस्ट नंबर इज 90 एंड रेंज इज 89। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमने चेक कर लिया और ये हमारा प्रोग्राम बनकर रेडी हो गया। तो हमने क्या करा है इसके अंदर, ये वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन है। यहाँ सबसे पहले हमने इनपुट के अंदर लिए कि टोटल कितने नंबर हमें इनपुट में लेने हैं, आई यूज करा है वाई लूप को इनिशियलाइज करने के लिए। तो काउंटर कहां से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। कहां तक चलेगा, टोटल इनपुट तक। जितनी बार एग्जीक्यूशन होगा इस ब्लॉक का, वाइल ब्लॉक का, जितनी बार ये रन होगा उतनी बार नंबर को हमारे को एंट्री लेता हुआ चला जाएगा। सबसे पहले जो इनपुट आया था उसको हमने असाइन कर दिया स्मॉलेस्ट बिगेस्ट के अंदर, क्योंकि जब स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट डिफाइंड नहीं है इनिशियली तो जो पहला नंबर एंटर होगा वही हमारे पास में बिगेस्ट है, वही हमारे स्मॉलेस्ट है। तो यह दे दिया और इस तरीके से हमारे पूरे प्रोग्राम का एजुकेशन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।